चालू कर देता हूँ। नाउ यार, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के सारे के हिसाब से बात करूँ तो टोटल 12 सब्जेक्ट्स है। नाउ इन 12 सब्जेक्ट में हमको सिर्फ एक्चुअल 10 पेपर है जिनका थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आने वाला है, बाकी के दो ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उनके बारे में बात नहीं करूंगा। तो ऑलरेडी ऑल्दो मैंने यहाँ पे 12 सब्जेक्ट लिखा है तो याद रखना, बट आपको एग्जाम में सिर्फ 10 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है। तो ये स्ट्रैटेजी या फिर ये एग्जाम कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा स्केड्यूल क्या होने वाला है ना। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली लिख के रखा है टेंटेटिव, बिकॉज मुझे जो भी डेटा मिला यूनिवर्सिटी से और कॉलेजेस में से वो सिर्फ टेंटेटिव है, बट हमें अप्रॉक्सीमेटली आइडिया आ जाता है कि इसी डेट्स के आसपास आगे आपका एग्जाम्स आने वाला है। सो लेट मी स्टार्ट विद द डेट्स। तो सेमिस्टर थ्री के डेट्स के बारे में पहले बात करते हैं। तो 21 से आपका एग्जाम्स या फिर नॉट एग्जाम्स, आपका कॉलेजेस चालू हो गया। मेजोरिटी कॉलेजेस ये वाले डेट से चालू हो चुके हैं और आपका जो सेमिस्टर है वो एंड होने वाला है मार्च के 2 तारीख में। अब ये टेंटेटिव डेट है डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक कॉलेज, जो कॉलेज का नाम नहीं लूंगा मैं, बट आपका सेमिस्टर ये डेट से चालू है और ये डेट पे एंड होने वाला है मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो अप्रैल के 2 तारीख के आसपास आपका ये वाला एंड होने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ कि यार अपने पास दिन कितना बचा, मतलब आज का दिन अगर मैं छोड़ दूँ, आज का जो संडे अगर मैं काउंट नहीं करूँ और कल से अगर मैं डेट काउंट कर रहा हूँ कि कितना डेज बचा है, तो मेरे पास लगभग 54 डेज बचा है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द थियोरी। मतलब इन 54 डेज में जो कॉलेजेस है वो ऑनलाइन लेक्चर्स कंडक्ट करके आपका सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करने वाले हैं। ये समझ में आ रहा है? तो आपके पास भी 54 डेज प्रिपरेशन के लिए है फॉर सेमिस्टर थ्री का थ्योरी, न्यूमेरिकल एंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, ये बात हो गया आपके करिकुलम के बारे में, मतलब आपका सेमिस्टर के टाइमिंग के बारे में। फिर बाद में बात आता है आपके एग्जाम्स के बारे में। तो आपका एग्जाम जो है वो चालू होगा इमिडिएटली आफ्टर योर टर्म एंड। जैसे आपका टर्म एंड खत्म हो जाएगा 3 अप्रैल से और 9 अप्रैल तक आपका बीच में होने वाला है ओरल्स एंड प्रैक्टिकल्स। नाउ मोस्टली आपको पता है कि प्रैक्टिकल्स होने वाला नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिकल्स कराएंगे ही नहीं मोस्टली। तो उसके बदले आपको असाइनमेंट या फिर सबमिशन ऐसा कुछ पार्ट करना पड़ेगा। ओरल्स के बारे में बात करूँ तो ओरल्स होगा अगर आपका 15 से कॉलेजेस चालू होने वाला है, तो मोस्टली मुझे लगता है वाइवा जो है वो आपका कॉलेज में भी हो जाएगा। और इसके लिए आपको पता है कि आपको 20 मार्क्स मिलता है, ओरल्स एंड प्रैक्टिकल्स कंबाइन करके 20 मार्क्स मिलता है। तो आपका जो 20 मार्क्स का जो पार्ट होता है ना, इंटरनल वाला पार्ट, वो यहाँ पे चालू होता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना इसको सीरियसली लेते नहीं है, आई डोंट नो वाई, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सीरियसली लेते नहीं है। और प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या, फिर बाद में उनको मिलता है इंटरनल केटी ना। भाई इंटरनल केटी जो है ना उसको निकालना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि निकलती नहीं है जल्दी। एक बार थ्योरी का केटी निकल जाता है, बट इंटरनल केटी पूरा का पूरा आपके हाथ में नहीं है। क्या पता अगली बार कोई खड़ूस एक्सटर्नल आ जाए और आपको और प्रॉब्लम हो जाएगा। थर्ड के बजाय फोर्थ सेमिस्टर के लेक्चर्स ले रहे हैं, बताता हूँ भाई, बट डोंट वरी। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 2 स्लाइड, मेरे को 2 स्लाइड्स कंप्लीट करने दो। मुझे पता है सेमिस्टर 3 सेमिस्टर 4 का बहुत कंफ्यूजन है, क्या होगा कैसे होगा, पीपल आर कंफ्यूज। मैंने सब प्लान किया और सब सब चीज के बारे में बात करूंगा, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। तो ओरल्स के डेट्स के बारे में आपको पता चल गया। इसके बाद जो आपका रिटन मेन एग्जाम होने वाला है, इट विल बी हैपनिंग ऑन 10th ऑफ अप्रैल। नाउ ये भी मेजोरिटी स्टूडेंट्स को आइडिया आ चुका है कि भाई अप्रैल के 10 के आसपास हमारा एग्जाम्स होने वाला है, रिटन एग्जाम। नाउ टॉकिंग अबाउट कि ये एग्जाम्स ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है, नाउ ये एग्जाम्स ऑफलाइन ही होने वाला है ऐसा पकड़ के चलो। अगर कुछ हुआ बीच में तो ऑनलाइन हो सकता है, बट ऐसा कंसिडर मत करके चलो कि ऑनलाइन होने वाला है और आप लोग आराम से बैठ जाओगे। तो ये ऑफलाइन ही होने वाला है, तो उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करना चालू करो। इसके ये एग्जाम्स 8 दिन में चलने वाला है ना, 7 और 8 दिन, मतलब पेपर्स तो 6 ही है, पेपर्स तो 5 ही है, बट 8 दिन मतलब बीच में कुछ छुट्टी होने वाला है, या तो संडे होगा या कोई हॉलीडेज होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये टेंटेटिव टाइम टेबल है, ये टेंटेटिव टाइम टेबल है, बट बहुत बहुत क्लोज है रियालिटी के, कि जो आपको सेमिस्टर 3 के लिए 54 डेज अपने हाथ में इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द 5 सब्जेक्ट्स ऑफ सेमिस्टर 3, राइट। इसके बारे में बात करता हूँ मैं सेमिस्टर 4 के बारे में। नो सेमिस्टर 4 जो है वो चालू होने वाले सेम डेट में। नो जैसे वैभव बोल रहा था, बहुत सारे कॉलेजेस में ना इसके साथ ये वाला पार्ट भी चालू किया है, मतलब सेमिस्टर 3 के साथ सेमिस्टर 4 का पार्ट भी चालू किया है ना। कुछ कॉलेजेस में कुछ बच्चों का एक कंफ्यूजन है कि उन लोग बोल रहे कि सेमिस्टर 3 का सर एग्जाम ही कैंसिल करने वाले हैं। भाई ऐसा बहुत ही रेयर सिचुएशन में होता है, ऐसी फालतू की उम्मीद में मत बैठो कि यार सेमिस्टर 3 कैंसिल हो जाएगा और ऐसे ही बच जाएंगे। ठीक है, पिछले बार हुआ वो हो गया। यूनिवर्सिटी बहुत इजीली एग्जाम्स कैंसिल नहीं करते, बहुत ही कुछ एक्सट्रीम अगर हो रहा है देन दिल कैंसिल दी एग्जाम।
तो ये आप कंसिडर करके चलो कि भाई सेमेस्टर थ्री का एग्जाम तो होने ही वाला है। और जब भी मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता हूँ, मैं स्पेसिफिकली मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता हूँ, तो ये प्लीज दिमाग में रखना कि आपका सेमेस्टर थ्री एंड सेमेस्टर फोर दोनों का एग्जाम्स होने वाला है। वो एग्जाम्स के बारे में भी आपको थोड़े टाइम में बताता हूँ। नाउ सिंस ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, मुझे सिर्फ एक सिंपल सा पोल लेना है फ्रॉम एवरी वन टू सी कि यार कितने कितने जनों के यहाँ पे ना सेमिस्टर फोर पे ऑलरेडी चालू है। जस्ट मैं एक पोल लेना चाहता हूँ कि कितने जनों के यहाँ पे सेमिस्टर थ्री एंड सेमिस्टर फोर साइमल्टेनियसली चालू हो चुका है। आपके स्क्रीन के सामने पोल आया रहेगा, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि सेमिस्टर थ्री एंड सेमिस्टर फोर दोनों चालू हुआ है साइमल्टेनियसली। सर हमारे कॉलेज में ना, हाँ हेलो हाँ बोलना, सुन रहे हैं सुन रहे हैं, बोलना। सर, सिर्फ सेम फोर चालू है, सेम थ्री नहीं हुआ अब तक। ओके ठीक है, सेम ईयर सर। कुछ कॉलेजेस में दोनों चालू कर दिया, कुछ कॉलेजेस में दोनों ही चालू केले। हाँ माहिती है माहिती है, मतलब एक सेंस ये तो है। ओके ओनली ओनली 14 पीपल हैव आंसर्ड आउट ऑफ 19। गाइस पार्टिसिपेट करो वरना मजा नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, आपको भी ज्यादा फायदा नहीं होगा एंड वी वोंट बी एबल टू। बिकॉज कैसा पता है, अभी मुझे पता है कि यहाँ पे अभी मैं पोल शेयर करता हूँ आपके साथ दो मिनट में, बाकी के जिन्होंने पोल पे क्लिक नहीं किया है यार प्लीज क्लिक कर देना। अगर दोनों चलता रहेगा ना तो भी मेरे को वैसा बता देना। कोर्स सब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड राइट रेस्ट एंड वेकेशन ठीक है राइट। सो आई जस्ट एंड द पोल, ऑलमोस्ट ओनली 80% है वोटेड, बट मैं एंड करके आपको रिजल्ट बता देता हूँ ठीक है गाइज। ये रिजल्ट अभी आप देखोगे ना तो आपको पता चलता है कि आप ही के जो स्टूडेंट्स हैं, आप ही के जो दोस्त हैं राइट, जो अलग अलग कॉलेज से बिलोंग करते हैं, तो उनके यहाँ पे सेमेस्टर थ्री एंड सेमेस्टर फोर दोनों चालू कर दिया है। नाउ कॉमन सेंस की बात है भाई, ऐसा कोई कॉलेज करेगा क्या कि वो सिर्फ सेमेस्टर फोर चालू करेगा और सेमेस्टर थ्री खाली फुकट पड़ा रहा है, अगर उन लोगों को पहले से पता है कि सेमेस्टर थ्री होने वाला नहीं है। नाउ द थिंग इज कि यूनिवर्सिटी से अभी एकदम एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं आया है, तो कुछ कॉलेज को लग रहा है कि यार शायद ये भी सेमेस्टर थ्री निकल जाएगा, या फिर उन लोग लास्ट मोमेंट पे ना हमेशा कॉलेजेस क्या करा सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत लेक्चर ले लिया और सेमेस्टर आपका खत्म, ऐसा कॉलेज कर सकता है। बट कुछ जो बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं वो वैसा नहीं करते, इसलिए उन्होंने सेमेस्टर थ्री भी साथ में प्रिपेयर करना चालू कर दिया है। तो अगर आपका कॉलेज नहीं करा है तो आप वो ये वो बबल में मत रहो कि यार सेमेस्टर थ्री का होने ही वाला नहीं है। आपके हिसाब से प्रिपेयर चालू करो, भले ही एग्जाम हो ना हो बात की बात है, बट आपको एटलीस्ट प्रिपेयर तो करना चाहिए। सिंस यू पीपल आर फ्रॉम डिप्लोमा ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट्स है राइट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया राइट, जो ऑलरेडी प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, मटेरियल टेक्नोलॉजी हो गया, जो भी है वो आप एटलीस्ट गो थ्रू करो। जो आपको टॉपिक अच्छा लगता है उतना तो एटलीस्ट प्रिपेयर करो, ज्यादा कुछ नहीं है, दो चैप्टर्स तो प्रिपेयर कर सकते हो इवन इफ दे आर नॉट टीचिंग इन योर कॉलेज एज ऑफ नाउ। तो ये आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि गाइस कैसा पता है अभी आप डिग्री में आ चुके हो, आपको खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेने वाला है। तो जो भी धोखे में है एग्जाम नहीं होगा, डिप्लोमा याद कर लो, एग्जाम में नहीं होगा, जो भी धोखे में है एग्जाम्स नहीं होगा, डिप्लोमा याद कर लो जरा। अच्छा ठीक है, तो वही है, एग्जाम्स तो होगा गाइस, यूनिवर्सिटी मोस्टली एग्जाम्स कैंसिल नहीं कर दी, बहुत सारा रीजन है उसके पीछे ठीक है, क्योंकि क्यूज बढ़ जाता है। बट एनीवे एटलीस्ट अपने को पता चल गया कि यार मेजॉरिटी कॉलेजेस में क्या हुआ है, मेजॉरिटी कॉलेजेस में सेम थ्री और सेम फोर साइमल्टेनियसली चालू हो चुका है, तो बहुत ही हाई परसेंटेज है कि आपका एसटीपीयू का बता रहे हो ना। गाइस देखो मैं ये ना स्पेसिफिकली मुंबई यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ठीक है, प्योरली मुंबई यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। नाउ यूनिवर्सिटीज का आप ज्यादा टेंशन मत लो, क्या होता है कि पता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है ना वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि एक यूनिवर्सिटी कम्प्लीटली कुछ अलग करेगी। तो ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, आपको आइडिया आ जाएगा कि एट दी एंड हर एक यूनिवर्सिटी ना इसी पैटर्न में काम करने वाली है, समझ में आ रहा है। दैट इज द रीजन कि डोंट वरी कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, ये वाला पार्ट आपके लिए भी वैलिड रहेगा। तो सिर्फ समझ लो कि मैं बताना क्या चाहता हूँ, मोटा मोटा सेंस लेने का ट्राई करो कि भाई ये सेमेस्टर थ्री का सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 54 डेज बचे हैं, ये वाला कंसेप्ट, ये वाला चीज आपके दिमाग में बैठना चाहिए ठीक है। दूसरा वाला पार्ट, सेमेस्टर फोर सेमेस्टर थ्री दोनों साथ में चालू हुआ है मेजॉरिटी कॉलेजेस में, अभी स्टूडेंट्स ने पोल में भी बता दिया ठीक है। ये एंड कभी होगा, ये होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो मई के एंड मई के इस वाले डेट में ये वाला एग्जाम एंड होगा। ठीक है, वी विल नॉट टॉक अबाउट वेदर वैभव की ऑनलाइन होना की एक ऑफलाइन होना ठीक है, आई जस्ट शेयर माई थॉट्स बिकॉज अननेसेसरी। अगर मेरे को डेफिनेटली पता होता कि भाई ऐसे ही होने वाले तो मैं बोल देता, बट मुझे भी पता है कि जितना मैं बात कर रहा हूँ टीचर्स के साथ, मुझे पता चल रहा है कि उन लोग ऑफलाइन ही कंडक्ट करने वाले हैं,
तो इफ यू थिंक कि ऑनलाइन हुआ तो बेस्ट है ना यार, टेंशन क्या है। ठीक है, ऑनलाइन अगर हो रहा है तो उसके लिए कुछ वैसे भी कुछ प्रिपेयर नहीं करना है अपने को, अपन ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो अपन वर्स्ट सिचुएशन के बारे में सोच के प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं, बिकॉज ऐसी अगर उम्मीद में बैठे रहेंगे कि यार हो जाएगा तो पता नहीं अपना ही हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो एनी वे आई विल टॉक अबाउट दी सेशंस। तो ये जो एग्जाम का डेट है वहाँ से आपका ये जो टर्म है सेमेस्टर फोर जो साइमल्टेनियसली चालू हो चुका है उसको खत्म होने के लिए 54+47 डेज लगने वाले ना। 54 डेज मतलब कौन सा, ये वाला 54 डेज, और दूसरा वाला मतलब इसके अलावा आपको 47 डेज एक्स्ट्रा मिलने वाला है, काउंटिंग एवरी हॉलीडे संडेज या फिर जो हॉलीडेज काउंट करोगे तो भी आपको 47 डेज एक्स्ट्रा मिलने वाले फॉर प्रिपेयरिंग सेमेस्टर फोर। ठीक है, फिर बाद में ओरल्स के एग्जाम के बारे में बात करते हैं। ओरल्स का एग्जाम ये डेट से चालू होगा और ये डेट पे एंड होगा, अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज होगा, और बीच में आपको कुछ ना कुछ हॉलीडेज भी होने वाला है। नाउ सेमेस्टर थ्री का तो पता नहीं, बट मुझे लगता है सेमेस्टर फोर आते आते, ठीक है, सेमेस्टर फोर के एग्जाम आते आते मेजोरिटी इकोनॉमी मेजोरिटी स्टेट्स खुल गए रहेंगे, ट्रेन चालू हो गया रहेगा। बिकॉज बहुत बहुत सोच के देखो ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, फर्स्ट ईयर के 5वें महीने में ये सब एग्जाम्स है, तो बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट अगर ये अगर ऑनलाइन हुआ तो ये तो एटलीस्ट ऑफलाइन होने का काफी अच्छा चांस है। हो तो दोनों ऑनलाइन हो बेटर है, हम लोग ऐसे ही पास हो जाएंगे, बट स्टिल मैं जो भी है जेन्युइनली वर्स्ट सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, और उसी सिचुएशन के हिसाब से आप भी प्रिपेयर करो, उसमें ही आपका भी फायदा होगा। ठीक है, फिर बाद में रिटर्न एग्जाम्स के डेट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो गाइज ये वाला रिटर्न एग्जाम का डेट्स आ रहा है सामने, विच लेट मी शो यू, और ये 15 दिन एग्जाम चलेगा ना, इसमें बीच बीच में आपको 1 या 2 दिन छुट्टी होगा, इसलिए 15 डेज के आसपास चलने वाला है। तो गाइज ओवरऑल ये वाला पिक्चर है, इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर इस स्लाइड का, मैं ये यूट्यूब पे डालने ही वाला हूँ, बट इस स्लाइड का चाहिए तो एक स्नैपशॉट लेके आप आपके दोस्तों को या फिर आपके ग्रुप्स में बता देना। ये स्पेसिफिकली भूलना मत कि मैंने MU के हिसाब से बताया, दैट इज मुंबई यूनिवर्सिटी, बट बाकी के यूनिवर्सिटीज में ये आगे पीछे थोड़ा बहुत होगा, बट मोटा मोटा यही होने वाला है। समझ में आ रहा है? सो गाइज ये वाला सिचुएशन है सर। मिस्टर थ्री पेपर। हाँ बोलना बोल। सर ये PPT भेज दो ना ग्रुप पे। डन डन भेज देता हूँ, टेंशन मत ले। ठीक है ओके। सो सेमिस्टर थ्री के लिए, अरे यूट्यूब पे वीडियो ही आने वाला है तो ठीक है, PPT भी मैं कर दूंगा, टेंशन मत ले। सेमिस्टर थ्री के लिए 54 डेज अपने हाथ में है, और सेमिस्टर फोर के लिए 54+47 डेज हाथ में। इसका मैं सिर्फ 1/3 काउंट करूंगा, अगर इसका मैं 1/3 काउंट करूँ तो लगभग यहाँ पे भी मेरे पास 60 दिन के आसपास बच जाते हैं, मतलब यहाँ के 1/3 डे यूज करूंगा और यहाँ पे पूरा 47 डेज, तो मेरे पास 60 दिन बचेगा। नाउ इसके अलावा ये डेट के बाद, इस डेट के बाद है ना, जिनको जिनको KT लगेगा, अगर आपको सब जो किसी बंदे को KT लगा है इन सेमिस्टर थ्री राइट, तो उसका एग्जाम्स भी इस डेट के बाद होने वाला है। तो ये डेट के बाद आपका जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर से आ रहा है और उनको अगर यहाँ पे सेमिस्टर थ्री में KT लगा है, तो उसका जो सेकेंड पेपर्स होता है वो भी इसके बाद ही होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे डाला नहीं, बिकॉज अननेसेसरी क्लटर हो रहा है और वापस वो टेंटेटिव होने वाला है। तो गाइज ये हो गया अपने टेंटेटिव स्केड्यूल के बारे में राइट, इसका PPT भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी स्केड्यूल तो पता चल गया गाइस, ये हमारा स्केड्यूल है। ठीक है, अभी देखते कि भाई प्रिपेयर क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सेमिस्टर थ्री के बारे में। ठीक है, सेमिस्टर थ्री में गाइस ये सारे सब्जेक्ट्स है, आपने ऑलरेडी देखा रहेगा राइट कि ये सब्जेक्ट्स है ना। इन सब्जेक्ट को अगर मैं बात करूँ, सेमिस्टर थ्री का जो नया सिलेबस आया है मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए, या बाकी के यूनिवर्सिटीज में भी थोड़ा बहुत सिलेबस कम किया रहेगा, किया है क्या? लेट मी जस्ट आस्क, कोई है जो बाकी के दूसरे यूनिवर्सिटी से है और आपको बोला है कि सिलेबस थोड़ा कम करने वाले, कोई है यहाँ पे वैसा? एनीवन बोला है क्या ऐसा कुछ? ओके वैभव इज टेलिंग की बोल दिया है करके, दैट इज गुड। नहीं ठीक है, ऑटोनोमस नो रिड्यूसिंग, ठीक है, और विजिट है तो रिड्यूस नहीं करने वाला है, चलो मतलब बाकी के कॉलेजेस में तो रिड्यूस भी नहीं कर रहे, ठीक है, तो बैंड बच सकता है। मुंबई यूनिवर्सिटी ने क्या किया, मुंबई यूनिवर्सिटी में भी कुछ ज्यादा कम नहीं किया है, जो मुंबई यूनिवर्सिटी में है खुश मत हो जाना, अपने को भी बहुत अच्छे तरीके से चुना लगा है, बस उन्होंने बोला है कि कम किया है करके, बट हैज सच कुछ कम ज्यादा हुआ नहीं है। लेट मी जस्ट टेल यू, तो हैज ऑफ नाउ सेमिस्टर थ्री का जो पेपर होने वाले उसमें आपको मैथमेटिक्स का पार्ट जो है ना वो पूरा सिलेबस है, मतलब 6 का 6 मॉड्यूल्स आपको इसमें प्रिपेयर करना ही है, और बाकी के उसमें उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया कि शायद आपका एक एक मॉड्यूल हर इसमें कम हो जाए। ठीक है, तो उस बेसिस के ऊपर अगर मैं काउंट करूँ कि कितना मॉड्यूल्स है, तो 4 5 20 और इसका 6 मतलब 26, तो सेमिस्टर थ्री का आपको 26 मॉड्यूल प्रिपेयर करना है विद इन 54 डेज। मतलब लगभग ऐसा सोचो कि यार मेरे को 26 मॉड्यूल 26 चैप्टर्स प्रिपेयर करना है और मेरे पास लगभग 54 या 60 डेज बचे हैं।
ठीक है, इसका मतलब लगभग मेरे को एक दो दिन में एक चैप्टर तो कम से कम प्रिपेयर करना पड़ेगा। सिंपल लेमैन का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कम से कम मेरे को दो दिन में एक चैप्टर प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके मेरा इतने दिनों में मेरा थ्योरी का पार्ट, न्यूमेरिकल का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा सारे सब्जेक्ट के लिए। तो ये बात हो गया सेमिस्टर थ्री के बारे में। अभी सेमिस्टर फोर में हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है, लेट मी शेयर द सब्जेक्ट्स अगेन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी, कैड कैम, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, दीज आर द सब्जेक्ट। नाउ सेमिस्टर फोर में हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी कोई कम नहीं किया, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस वैसा का वैसा होने वाला है। तो अगर यहाँ पे बात करूँ, हर सब्जेक्ट में 6 मॉड्यूल्स है, तो 6 × 5 = 30, तो 30 मॉड्यूल्स आपको कंप्लीट करने, 30 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने इन दीज मेनी डेज, समझ में आ रहा है। तो लगभग यहाँ पे भी 60 दिन में आपको इतना वाला पार्ट कंप्लीट करना है। नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि कोई है क्या दूसरे यूनिवर्सिटी से जिनको यहाँ पे सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे ना सब्जेक्ट्स का नाम चेंज हो जाता है, मैंने देखा है यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को मैकेनिक्स ऑफ मशीन ऐसा कुछ बोला जाता है दूसरे यूनिवर्सिटीज में, बट मोटा मोटा जब भी मैंने सिलेबस देखा तो सिलेबस तो सेम ही था। तो एनीवन हैविंग एनी डिफरेंट सब्जेक्ट, कोई किसी को कोई अलग सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है कि यार नहीं ये तो नो राइट, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन इज हैविंग सेम सब्जेक्ट, थोड़ा बहुत एक आध मैथ्स तो रहेगा सब। देखो मैं बताता हूँ, देखो कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि वो जान है यार मैकेनिकल का, वो निकाल दिया तो सीखेंगे क्या, बनेंगे क्या, वैसा वाला पार्ट है सेम4 पीपी, ठीक है, प्रोडक्शन, मतलब यहाँ का सब्जेक्ट वहाँ पे, सेमिस्टर थ्री का सेमिस्टर फोर में है, सेमिस्टर का फोर का सब्जेक्ट कोई सेमिस्टर थ्री में है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट का नाम चेंज होगा, बट कोई भी यूनिवर्सिटी इसमें से जो मेन सब्जेक्ट है जैसे हो गया मैथमेटिक्स वो निकालेंगे नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स निकालेंगे नहीं, थर्मोडायनेमिक्स निकालने वाले नहीं है, तो काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन नहीं निकालेंगे, समझ में आ रहा है। कैड कैम शायद इसके बदले कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, बट जो मेन सब्जेक्ट है ना वो कभी निकालते नहीं है। नाउ मेरा एक सबके साथ एक सिंपल सा मेरा एक क्वेश्चन है, लेट मी, दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क, एक सेकंड, समवन हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, मेजरमेंट राइट, वही है, तो अलग अलग है, कोई ऑटोनोमस होगा तो उसका थोड़ा सा पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। नाउ एक सिंपल सा पोल रेज कर रहा हूँ मैं वापस, लेट मी सी व्हाट योर आंसर्स आर, ठीक है, एक पोल रेज कर रहा हूँ मैं, लेट मी सी व्हाट यू थिंक। मैंने आपको टाइम बता दिया और मैंने उतने टाइम में अपने को क्या क्या प्रिपेयर करना है वो भी बता दिया, तो आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि आपका क्या ओपिनियन है। ओके, वैभव को फोर्थ में अप्लाइड थर्मो है, दैट इज ओके, थर्मोडायनेमिक्स इनको फोर्थ में है। वैभव कुटली यूनिवर्सिटी है तुझी, पुणे यूनिवर्सिटी है ना तुझी? यस सर। ओके, थर्डला थर्मोडायनेमिक्स है आणि फोर्थला अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, थर्डला, ओके, सो लेट मी सी, यस आई कैन रिमूव, क्या बात है। तो आई अगेन शेयर, 23 पीपल आर देयर विद अस, पीपल आर स्टिल आंसरिंग, तो मैं एक मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए वेट कर रहा हूँ। लेट मी जस्ट सी कि मैंने आपको टाइम बता दिया, मैंने ये भी बता दिया कि यार इतने टाइम में अपने को प्रिपेयर क्या क्या करना है। लेट मी सी योर आंसर्स इन द पोल, 82% पीपल हैव वोटेड, अगर आपने नहीं वोट किया तो मैं करो फटाफट, मजा आएगा, डू पार्टिसिपेट, स्टैटिक बैठ के क्या मजा नहीं आता, ठीक है। एनीवे आई विल एंड द पोल, आई विल जस्ट शेयर द रिजल्ट, ठीक है। तो वी कैन डायरेक्टली सी 74% ऑफ यू पीपल आर थिंकिंग कि यार ये इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है, एंड कोई कोई तो है भाई स्वैग वाले बंदे भी अपने पास, तो उन लोग प्रिपेयर कर लेंगे, और कुछ लोगों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन चालू किया है थ्रू कोचिंग और थ्रू अदर काइंड ऑफ ट्रेनिंग, तो उसका कोई टेंशन नहीं, ठीक है। नाउ गाइस, सबसे पहले व्हाट आई वांटेड टू टेल यू पीपल इज कि भाई टेंशन में लेने का, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे बंदों को देखा है जिन्होंने एक सेमेस्टर में 12 सब्जेक्ट्स निकाले, वो डम थे या फिर उन्होंने पहले फेल हुए थे, ऐसा पार्ट नहीं था, कुछ मेडिकल रीजन के कारण वो एग्जाम नहीं दे पाया या फिर कुछ इमरजेंसी था तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाया, बट स्टिल दूसरे सेमेस्टर में उसने सारे के सारे सब्जेक्ट निकाल दिए। तो मुझे इतना तो पता है फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस आफ्टर सीइंग सो मेनी स्टूडेंट्स कि यार ये सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। और आपको भी पता रहेगा लास्ट मोमेंट में कितने बार प्रिपेयर करके आपने सब्जेक्ट निकाले रहेंगे, तो सोचो कि अगर थोड़ा जल्दी चालू करेंगे, ठीक है, और थोड़ा ढंग से चालू करेंगे तो यार ये वाला टाइम भी हम लोग निकाल लेंगे, ये समझ में आ रहा है। लेट मी जस्ट स्टॉप, एक सेकंड, हाँ ठीक है। सो डोंट वरी, आने वाले कुछ स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा कि हम लोग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए प्रिपेरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर पार्ट की स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपको क्या करना पता है, ये डिसाइड करना है कि मैं फोकस कौन से सेमिस्टर पे करूंगा। नाउ देखो, जितना मुझे पता है कि आपका अगर सेमिस्टर थ्री का जो पार्ट है बच गया, सेमिस्टर थ्री अगर प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, अगर कॉलेज में चालू हुआ है तो आपको प्रिपेयर करना है, कॉलेज में नहीं जिनके कर रहे हैं
उन लोग भी सेमिस्टर थ्री का थोड़ा बहुत चालू करो अपने हिसाब से, पूरा मत करो सिलेबस, दो चैप्टर्स तो कर लो, एक चैप्टर्स तो कर लो, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक तो कवर कर लो, ताकि जब भी आप आगे जाओगे आपको पता होगा। बोलना बोलना क्या हुआ सर? आमच्या कॉलेजमध्ये सेम फोर पण नाही चालू केलं अजून, सेम थ्री चालू आहे। बापरे जिंदाबाद, मजा येणार आहे। काय माहिती आहे का, सेमिस्टर फोर ला अजून वेळ आहे, जसं आपण बघतो सेमिस्टर फोर ला जास्त, ठीक आहे, बट सेमिस्टर फोर पण चालू करतील नो डाऊट अबाउट। ते काय करतील माहितीये, व्हिजिटर वाले पण काय करणार, एक पार्ट तो वेकेशन, म्हणजे कॉलेजेस काय करतात, आयदर सेमिस्टर थ्री आता करतायत आणि सेमिस्टर फोरचा पार्ट थोडा वेकेशन मध्ये करणार आहे किंवा वाईस वर्सा, ठीक आहे। सो डोंट वरी अबाउट दॅट। सो नाऊ द क्वेश्चन इज की यार हम लोग पहले फोकस कहां पे करें। सो इफ युअर कॉलेज हैज ऑलरेडी स्टार्टेड विद सेमिस्टर थ्री एंड सेमिस्टर फोर साइमल्टेनियसली, तो मुझे मैं चाहता हूँ कि आप पहले सेमिस्टर थ्री के बारे में ज्यादा सोचो, सेमिस्टर थ्री के बारे में ज्यादा सोचो। ट्रस्ट मी, ये क्यों पता है क्या, ऐसा सोचो कि यार आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो राइट, और वहां पे पता चल रहा है कि यार आपके पहले सेमिस्टर में ही आपको केटीज लग चुका है, तो जो इंटरव्यूअर है ना उसके दिमाग में आपका परसेप्शन बैठ जाता है कि इस बंदे ने शुरुआत से पढ़ाई नहीं की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो बोल रहा हूँ ना, आज कुछ मजा आप आज लगेगा कैजुअल है ठीक है करके, बट जब भी आप एग्जाम इंटरव्यू में जाओगे तो सामने वालों को पता चलेगा कि यार इसको सेमिस्टर और ये डिग्री में पता चलता है केटीबीटी लगाए करके, वो रिजल्ट में पता चल जाता है। तो यार आपको ये सेमिस्टर खरीदना है ना, प्रिपरेशन इस तरीके से करो कि कोई भी सब्जेक्ट में केटी ना लगे, क्योंकि वो बोलेगा शुरुआती भाई ने, और वो भी डिप्लोमा से आया, तो नॉर्मली एक्सपेक्टेशन क्या रहता है भाई, डिप्लोमा वाले को सब कुछ पता रहता है, ये एक्सपेक्टेशन रहता है लोगों का, ठीक है, बट उनको ये नहीं पता कि यार थोड़ा गैप आ जाता है, छुट्टी बिट्टी आ जाती है, उसमें से अभी लेक्चर भी ऑनलाइन है, तो उतना प्रिपरेशन नहीं हो पाता, तो आपका जो परसेप्शन है ना इंटरव्यू के सामने वो खराब हो जाएगा। तो डू कंसिडर प्रिपेयरिंग योर सेमिस्टर थ्री सीरियसली। नाउ सेमिस्टर थ्री सीरियसली की प्रिपेरेशन करने में हम लोग पहले ये देखेंगे कि यार 26 चैप्टर और 54 डेज, अगर मैं दो दिन में भी एक सोचू सब्जेक्ट प्रिपेयर करने का तो पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जो मैं दो दिन में इजिली प्रिपेयर कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे प्रैक्टिस के लिए भी टाइम चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा पहले पता है, एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए टीचर, मेरा सिंपल सा सजेशन है कि आप पहले प्रायोरिटाइज करो कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट को पहले टैकल करना है। तो ऑब्वियसली ये तीन सब्जेक्ट जो है ना इसको आपको पहले टैकल करना है, इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल एंड थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो बोलेंगे कि सर मैं तो मैकेनिकल में नहीं हूँ, तो मैं मेरे फील्ड के सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करूँ? भाई टेंशन मत लो, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। और जो ऑलरेडी मैकेनिकल में है उनको पता चल गया रहेगा मैंने कौन से बेसिस के ऊपर सिलेक्ट किया। कैन एनीवन जस्ट थिंक एंड टेल कि कौन से बेसिस के ऊपर मैंने सिलेक्ट किया ये थी प्रायोरिटी वाइज? एनीवन? न्यूमेरिकल, क्या बात है गाइस, राइट? तो ये वाला पॉइंट है ना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। क्यों सर? सीधी सी बात है, न्यूमेरिकल्स है ना मैं लास्ट मोमेंट भी प्रिपेयर नहीं कर सकता। एज एन इंजीनियर लास्ट मोमेंट में बहुत कुछ प्रिपेयर कर लूंगा, बट न्यूमेरिकल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है और एग्जाम में मुझे खुद को श्योरिटी नहीं रहेगा कि आया मेरे को मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट थ्योरी जो है ना वो तो मैं कभी भी कर लूंगा, इस पे पकड़ते हैं, वो तो है, वो तो है। सो द थिंग इज कि आप भी अगर कोई अलग सेमिस्टर से अलग फील्ड से बिलोंग करते हो, कंप्यूटर्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, तो आपको भी आपके सेमिस्टर में ये देखना है कि न्यूमेरिकली हैवी ओरिएंटेड सब्जेक्ट कौन सा है। और कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन पेपर उठा लो पास्ट पेपर से, या तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो सेमिस्टर थ्री में आपको ये तीन सब्जेक्ट उठाने हैं। सेमिस्टर फोर का बात करूँ तो सेमिस्टर फोर में लेट मी जस्ट सी सम पीपल आर चंपो नाई पुणे यूनिवर्सिटी को एम फोर नसेल पण एम फोर चा बराचसा सिलेबस तुम्हाला सेमिस्टर थ्री मध्येच कव्हर केला जाणार पुणे युनिव्हर्सिटी मध्ये, ना कारण का मॅथमॅटिक्सचा काही पार्ट आहे तो स्किप नाही केला जाऊ शकत। लोक काय करतात माहितीये का, क्लब करतात, एम थ्री मधला मेन पार्ट घेणार, एम फोर मधला मेन पार्ट घेणार, त्याला क्लब करून सेमिस्टर थ्री मध्ये टाकून दिले, कळलं का वैभव? त्यामुळे तुम्हाला एम फोर नाही आहे, बाकी काय नाही, बट त्याचे टॉपिक्स कव्हर झाले आहेत, सगळे टॉपिक्स कव्हर झाले आहेत। हा सेम फोरला एम थ्री आहे, ओके, मग ते डिस्कस करू आपण, डिस्कस करू, थांब मी पहिले ऍटलीस्ट कव्हर करून घेतो। एनिवे सो व्हॉट एव्हर द सब्जेक्ट्स आर, सेमिस्टर फोर में इन तीन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। अभी इसमें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों? बिकॉज सेमिस्टर टू में, डिप्लोमा के सेमिस्टर टू में हम लोग ने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा था, आई गेस बीडब्ल्यू नाम का था, और उसके बाद इतने सालों के बाद ये वापस इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट आने वाला है। अब ये थ्योरी तो है बट इसमें 25% न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि इसका प्रिपरेशन आप बाद में करो, पहले आपको ये तीन सब्जेक्ट फोकस करना है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने देखा कि टाइम कितने अपने पास,
अपने को प्रिपेयर क्या करना है, अभी उसमें से अपन ने क्या किया, अपना प्रायोरिटी सिलेक्ट कर लिया। एक बार अपना प्रायोरिटी सिलेक्ट हो गया, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हर जो प्रायोरिटी में सब्जेक्ट है उसका प्रिपरेशन कैसे करना है। नाउ मैं मैथमेटिक्स नहीं सिखाता, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, तो मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा। आपने अगर किसी के पास कोचिंग लगाया है या फिर आपका कोई सीनियर है जो आपका फ्रेंड है तो उससे पूछ लेना। मेरे पास भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आई कैन ट्राई टू अरेंज अ सेमिनार और वेबिनार और इवन बैचेस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर यू पीपल, बट वो बात की बात है तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आपको स्पेसिफिकली सेमिस्टर थ्री के इन दो सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको बाकी के सब्जेक्ट्स का भी आइडिया आ जाएगा। मैं ये अभी क्यों नहीं बता रहा, बिकॉज ये सेशन का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं बहुत ज्यादा प्रवचन देना नहीं चाहता और मुझे पता है कि आपका सुनने का कैपेसिटी भी बहुत कम है। तो मैं सिर्फ इन दो सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा और आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि यार ये तरीका क्या है जिससे मैं ये स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, जो कि आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सेमेस्टर में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट विद द मेन पार्ट, दैट इज अभी प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया, अभी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कैसे करें। लेट्स फोकस ऑन द सेमेस्टर थ्री का फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का अगर मैं सिलेबस देखूं, जो कि यूनिवर्सिटी ने बोला है कि इस एग्जाम में आने वाला है, तो ये वाला सिलेबस है। राइट, नाउ अभी ये मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है जो उन्होंने बोला है कि कट डाउन करने के बाद अभी से एग्जाम में इतने वाला है, इतना आने वाला है। शायद आप अलग यूनिवर्सिटी से हो तो थोड़ा टॉपिक्स ज्यादा दिखाई देगा, दैट इज नॉट एन इशू। हमें क्या, हाँ बोलना आम्हाला बोलले कॉलेज मध्ये की हा सिलेबस कुठे शेअर करू नका, कारण हा पण म्हणजे फेक असू शकतो, हा टेंटेटिव्ह आहे बोलले। माहिती आहे, आय नो, हे बघ इथे लिहिलं ना, मी अगोदर सांगितलं की दिस इज अ टेंटेटिव्ह सिलेबस, बट देर इज अ फ्लॉ इन दिस सिलेबस, जस्ट वेट अँड आय टेल यू फ्लॉ इन दिस अँड आय जस्ट टेल यू व्हॉट इज द प्रॉब्लम। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर वन, मुंबई यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें इस चैप्टर का नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, इफ यू जस्ट ओपन द बुक्स, इस चैप्टर का नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये पहला जो मॉड्यूल है, पहला चैप्टर बोल दो, पहला मॉड्यूल बोल दो। तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में आपको क्या क्या आता है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, बल्क मॉड्यूलस क्या है, रिजिडिटी क्या होता है, वो सारा थ्योरी का पार्ट भी है और सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स भी है। हाँ राइट, बरोबर है। सो ऑलमोस्ट सिलेबस अगेन द सेम दोस्तों, बट नाउ एज पर द रिड्यूस सिलेबस दे आर टेलिंग कि ये आएगा। राइट, नाउ देखो जितना मैं एज अ मैं टीचर हूँ तो मुझे पता है कि अगर मेरे को यूनि एक्सियल, बाय एक्सियल, ट्राई एक्सियल ये पढ़ना है तो मेरे को सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। राइट, मुझे स्ट्रेस समझना होना चाहिए, स्ट्रेन समझ में आना चाहिए, सब इलास्टिसिटी के जो कंसेप्ट है वो समझ में आना चाहिए, देन आई कैन एक्चुअली गो एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स। ना जय, आदित्य, सिद्धांत, दे हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। मोर सर्कल जो है वो आपके लास्ट वाले चैप्टर में, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे कवर नहीं किया था, बट उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, बट द थिंग इज कि इतना तो मुझे पता चलता है कि अगर मेरे को ये भी टॉपिक्स प्रिपेयर करना है ना तो मुझे चैप्टर नंबर वन का शुरुआत का टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा ना। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज दे नो दैट यू पीपल आर फ्रॉम डायरेक्ट सेकेंड ईयर। राइट, तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि यार आपको डिप्लोमा का ऑलरेडी बहुत सारा चीज पता है। एट दिस पॉइंट आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू पीपल कि यार कितने जन को डिप्लोमा का चीज पता है। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि हाउ मेनी ऑफ यू पीपल रिमेंबर कि यार ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग ने ये वाला टॉपिक किया था एंड मेरे को ये सब चीज पता है, मतलब जो जैसे इन्होंने रखा है कितना पार्ट पता है, हाउ मच पार्ट डू यू रिमेंबर। ठीक है, लेट मी जस्ट सी, वो एक सेकेंड में तुला क्वेश्चन का है विचार दो, लेट अस जस्ट कंप्लीट द पोल, एक मिनट है वो। ओके, सो मुझे एक्सपेक्टेड था वैसे ही जा रहा है, आई एक्सपेक्टेड दैट पीपल विल न्यू समथिंग। ठीक है, कोई भी ना नहीं बोलेगा अभी कि नहीं याद है करके, बट अगर मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ लूँ ना कि यार स्ट्रेस क्या आता है करके, चलो पूछ लेता हूँ, कैन एनीवन टेल मी अपार्ट फ्रॉम माय स्टूडेंट्स हु आर देयर ऑलरेडी, तुम लोग मत बोलना बाबा आंसर। ठीक है, लेट मी आस्क कि किसको पता है स्ट्रेस डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ डू यू डिफाइन स्ट्रेस, अपने लैंग्वेज में बोलो, मेरे को टेक्स्चुअल का आंसर नहीं मिला तो भी चलेगा, जिसको आता है माइक अनम्यूट करके बोल दो भाई कि सर स्ट्रेस ही होता है। एनीवन, लोड पर यूनिट एरिया, ये वैभव भी था मुझे लगता है पहले लेक्चर में, बट आई एम श्योर। अच्छा, लोड पर यूनिट एरिया, राइट, ये कॉमन सा क्वेश्चन वायम में भी पूछा जाता है कि भाई ये क्या था, ये स्ट्रेस था सिग्मा, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, यस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज नथिंग बट लोड ही एक तरीके का, अरे दोनों का फॉर्मूला सेम, स्ट्रेस में फोर्स में स्ट्रेस में और प्रेशर में फर्क क्या है, हाँ दोनों का फॉर्मूला सेम है ना,
हेलो फॉर्मुला भी लोड पर यूनिट एरिया है, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी लोड पर यूनिट एरिया है, दोनों में फर्क क्या है? स्ट्रेस में फर्क क्या? प्रेशर टोटल लोड कैलकुलेट करता है। अच्छा, प्रेशर टोटल लोड जितना एक्ट हुआ है, हाँ जितना एक्ट होता है जितना है, ठीक है समझ जाओ, भाव में पूछ कर समझ सकते हैं, डोंट वरी हैपेंस, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि ऑल्दो यू थिंक, ठीक है मोहित, आई होप तुला आइडिया आले असेल आपण काय बोलतोय करून, बट द थिंग इज की आय आदित्य मेरे को पता है रे तेरे को आता है, ठीक है तुम लोग को मत बोलो अभी यहाँ पे मत बोलो, ठीक है। एनीवे सो गाइस दिस इज दी ये रिजल्ट था बाय द वे कि 64% ऑफ यू आर थिंकिंग कि आपको कंसेप्ट याद है, मुझे पता है आपको याद है, बट आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद है कि फॉर्मूला याद होगा या फिर आपने ये पढ़ा था ये नाम याद है करके, बट वाइवास में आना इस तरीके से इज्जत निकाला जाता है कि भाई तू बता दोनों में फर्क क्या है, फिर पंप और मेरे को न्यूमेटिक कंप्रेसर में फर्क बता, मतलब ऐसा कुछ सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछते हैं बट बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल लेवल पे पूछते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं पे ना अपना पोपट हो जाता है, तो आपको वापस थोड़ा बहुत रिवीजन तो करना पड़ेगा, बट अगर आपको ऑलरेडी अच्छे से आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। नाउ ये सब बंद कर देता हूँ मैं एंड लेट मी गेट बैक टू द पार्ट, यार प्रिपेयर कैसे करें ना, अपने पास लेट सपोज आपको 6 topics होगा 5 topics होगा वो मैटर नहीं करता, बट प्रिपेयर कैसे करना है ना, अगेन मैं क्या करूंगा पता है क्या, आई डू अ वेरी सिंपल थिंग, सबसे पहले वापस मेरे को क्या करना है, मेरे को ये पूरा सब्जेक्ट को ना थ्योरी और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करना है, राइट और मैं सबसे पहले चालू कहाँ से करेगा पता है, मैं थ्योरी से चालू करेगा, क्यों, बिकॉज थ्योरी ईजी है कम्प्लीट करना, राइट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो मैं सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, आप देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन अप्लाई दिस फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक, एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो मुझे पता है कि पेपर्स अगर देख लूंगा पुराने एक या दो तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि यूनि एक्सियल बाय एक्सियल इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा 10 marks, ठीक है एक न्यूमेरिकल तो कंफर्म आएगा 10 marks के लिए, ठीक है। एसएफडी बीएमडी में 2 questions आएंगे मुझे पता है, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मुझे पता चलता है, इसमें भी हर एक क्वेश्चन 10 marks का आएगा, ठीक है। विद ऑप्शन बात करूँ तो यहाँ पे 3 questions आते, कभी कभी 4 भी आते, तो मुझे पता चलता है ये भी अच्छा वाला पार्ट है, ठीक है। मतलब ये मेरे को 20 marks का अटेम्प्ट करा सकता है, मैं अटेम्प्ट का बात कर रहा हूँ, ठीक है राइट रॉन्ग वो बाद में भगवान देखेगा। इसमें से 1 question आता है मुझे पता है, डिफ्लेक्शन में से 1 question आता है, तो ये मेरा हो गया 10 marks। थिन सिलेंडर्स एंड स्पेरिकल्स, इसमें से क्वेश्चंस तो आते हैं बट इसका वेटेज कम रहता है, कभी कभी 5 marks के लिए आता है, कभी कभी 8 marks के लिए आता है, और स्ट्रेन एनर्जी के ऊपर आया तो 1 question आएगा 6 marks के ऊपर। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड बाय एनालाइजिंग द पेपर्स, आप लोग भी ये वाला पार्ट कर सकते हो अगर आपको कोई अलग टॉपिक है या फिर अलग पार्ट कर रहे हो तो। सर चैप्टर 1 कम हुआ है और पर चैप्टर सिलेबस, राइट चैप्टर 1 कम हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी वालों ने कम किया, बट द थिंग इज कि इससे पता चलता है कि स्पेसिफिकली किसमें से क्वेश्चन आने वाला है, बट इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर मेरे को बायएक्सियल ट्राइएक्सियल लोडिंग समझना है, मेरे को प्रिंसिपल स्ट्रेस समझना है, तो मेरे को पहले का कंसेप्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसलिए पढ़ना तो अभी भी पढ़ने वाला है, बट मेरे को पता है कि एग्जाम में वो वाला पार्ट आने वाला है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस कम किया है, बट पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कम नहीं हुआ है, समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ, राइट ठीक है। देन कॉलम्स के बारे में बात करूँ तो कॉलम्स में भी 1 question आता है 6 या 10 marks के लिए, डिपेंड्स राइट। तो इससे मुझे मोटा मोटा बात क्या पता चल रहा है कि देयर आर फ्यू चैप्टर्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये जिसमें 10 marks का क्वेश्चन है वो तो मेरे को प्रिपेयर करना ही है, मतलब पहला 2 chapters तो मेरे को प्रिपेयर करना ही है, ये मेरा प्रायोरिटी पे है, फिर बाद में देखूंगा कि यहाँ पे एक 10 marks का क्वेश्चन आता है तो ये 3 chapters मेरा प्रायोरिटी पे है, फिर बाद में डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे को कौन सा टॉपिक ईजी लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का डिप्लोमा हुआ है तो डिप्लोमा में अगर आपको कॉलम्स वाला पार्ट हुआ तो आप लोग फिर फोकस करो चैप्टर नंबर 5 के ऊपर रादर देन फोकसिंग ऑन चैप्टर नंबर 4, ये और ये वाला क्या करना है आपको चैप्टर नंबर 4 क्या करना है, चैप्टर नंबर 4 आपको स्किप कर देना है, स्किप चैप्टर नंबर 4, ऐसा सोचो कि अपने को सिलेबस में ही नहीं है, समझ में आ रहा है आपको सिलेबस में है ही नहीं और आपको ये वाला प्रिपेयर ही नहीं करना, तो आपने क्या किया आपने आपके सिलेबस को आपका जो सिलेबस था उसको ऑर्डर में अरेंज कर दिया कि मैं पहला चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 5 एंड फिर बाद में 4, ये मेरा ऑर्डर हो गया, समझ में आ रहा है। अभी ऑर्डर डिसाइड होने के बाद अभी मेरे को पता है कि इसमें क्या पढ़ना है, मेरे को सिर्फ इसमें है ना जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया अगर न्यूमेरिकल्स आया तो न्यूमेरिकल्स के लिए जो जो थ्योरी ना पहले वो पढ़ लूंगा और फिर उससे रिलेटेड 1 या 2 न्यूमेरिकल सिर्फ देख के सॉल्व करूंगा, मैं बिना देख के भी सॉल्व करने का बात नहीं कर रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि देख के सॉल्व करो, समझो थ्योरी पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो समझो फिर बाद में देख के अपने आप एक बार सम सॉल्व करो, बस ये हर चैप्टर के लिए इतना करना है। तो अगर मैं इस हिसाब से करूँ
राइट, इतना एकदम मतलब फोकस अगर पढ़ाई करूँ तो मेरे को ये खत्म करने के लिए सिर्फ एक दिन जाएगा, क्योंकि मैं सब नहीं पढ़ रहा थ्योरी। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, यूनि एक्सियल का थ्योरी पढ़ लिया, बायएक्सियल का पढ़ लिया, ट्राइएक्सियल का पढ़ लिया, प्रिंसिपल स्ट्रेस का पढ़ लिया, और न्यूमेरिकल के लिए जो जो थ्योरी लगता है ना वो पढ़ के मैं सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ। बस एक दिन में उतना हम लोग एक दिन में मतलब ना 8 घंटे का बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो 8 घंटे में, 8 या 10 घंटे में मैं इतना आराम से कर सकता हूँ। अगर मैं सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करूँ तो SFDBMD थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, शियर फोर्स का पार्ट समझने में, बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम समझने में, उसको प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम जाता है। तो इसके लिए मेरा 2 या 3 दिन नहीं बोल रहा हूँ मैं, 2 दिन सर ये रहेगा। हाँ बोलना सर। हाँ बोल मोहित, आवाज देते बोलना। बुक प्रिफर करायचे? दयाल प्रिफर कर, मी तुला सांगतो, दयाल किंवा सेंजल या दोघांमध्ये कुठली पण प्रिफर कर, बट डोंट वरी, विल टेक ऑल दिस क्वेश्चंस एट द एंड, ठीक है? व्हाट इज क्या होगा पता है वो तो, डोंट वरी, मी सांगतो। एनीवे, सो गाइस आई विल टेक ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एट द एंड, या फिर एक बीच में थोड़ा टाइम लेके मैं आपको क्वेश्चन लेके लेने का ट्राई करता हूँ। तो डे वन मतलब अगर मैं कल से प्रिपरेशन चालू कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करूंगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट, क्योंकि क्या होता है पता है, एक ही सब्जेक्ट अगर मैं पूरा हफ्ता प्रिपेयर कर रहा हूँ ना तो उसमें फ्लो बहुत आना चालू होता है मेरे को, हर उस सब्जेक्ट में ना थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छे से फ्लो आता है, ठीक है? तो कल मैं क्या करूंगा, कल मैं देखूंगा कि चैप्टर नंबर 1 खत्म कर लेता हूँ, फिर बाद में सेकेंड एंड थर्ड डे में मैं ये वाला चैप्टर खत्म करूंगा, फिर उसके बाद व्हाट आई विल डू इज फोर्थ और फिफ्थ डे में मैं चैप्टर नंबर 3, फिर बाद में ये वाला जो चैप्टर है ना इसके लिए भी 2 दिन लगेगा, बट मैंने क्या बोला है मैं ये नहीं करने वाला, ये मैं लास्ट में करूंगा, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, सिक्स डे पे, ऑन सिक्स डे व्हाट आई विल डू इज आई विल कंप्लीट माय कॉलम वाला चैप्टर, उसमें भी सिर्फ मेरे को जो थ्योरी न्यूमेरिकल समझने के लिए चाहिए वो पढ़ूंगा, और फिर बाद में न्यूमेरिकल देख के प्रैक्टिस करूंगा। गाइस इतना ना, इतना हर कोई कर सकता है, अगर आप डिप्लोमा से डिग्री में आए हो ना तो थ्योरी समझना मुझे नहीं लगता आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और न्यूमेरिकल देख के खुद से सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा तकलीफ होगा। सो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यार इतना तो हम लोग कर सकते हैं सर, कि पूरा नहीं करेंगे, आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इतना तो कर लेंगे, जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट क्लिक ऑन यस सिंबल, या चैट में मेरे को यस भेज देना गाइस, जस्ट क्लिक ऑन यस, यस नाम का सिंबल होता है, थम्स अप दे दो या तो हैंड रेज कर लो। आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू, एटलीस्ट इतना तो आएगा सर हमको करने में, थ्योरी पढ़ना है जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, और देख के 2-3 न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करना है, बस इतना तो आएगा, राइट? मयूर तांबे, इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस मच, यार मुझे पता नहीं आप कैसे करोगे। Those people who are not raising hand, I don't know how you people will do this thing. I hope कि आप just because of आलस हाथ raise नहीं कर रहे हो, अगर वैसा रहेगा तो ठीक है, और भाई भाई बहुत problem है, ठीक है, ठीक है। Anyway, what I'll do is I'll just lower each and every hand. Okay, ठीक है। So now, तो इतना I'm sure आप लोग कर सकते हो, तो आपका ये पहला स्ट्रैटेजी, अगर ये करोगे ना, ये इतना अगर मैं पार्ट करूँ तो मुझे लगभग 7 डेज में ना, 7 to 10 डेज में मेरा ये चैप्टर प्रिपेयर होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। इतना इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को इन एंड आउट आने वाला है, ऐसा नहीं है, बट यार सोच के देखो 7 डेज मतलब आज आप अगर 0 पे हो ये सब्जेक्ट में, और 10 दिन में आपको अगर ऐसा खुद के लिए सेंस आ रहा है कि हाँ भाई मेरे को ये चैप्टर रिवाइज हो गया, मेरे को याद है थोड़ा बहुत, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ, तो ये भी गाइस बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दैट इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप, एटलीस्ट इतना तो हुआ। अभी आज तो ऐसा लग रहा है कि यार कैसे होगा करके, जैसे आप लोगों ने पोल में भेजा था कि टाइम कम है, ये कम है, बट अगर 7 दिन में अगर आप इतना कर पा रहे हो तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं तो कर लूंगा थोड़ा बहुत धीरे धीरे कर लूंगा, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वाला सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, प्रिपेयर करना खुद से, मुझे लगता है हो जाएगा, बहुत लोगों ने किया, आई एम श्योर आप लोग भी ये कर लोगे, राइट? लेट मी मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। नाउ लेट मी टॉक अबाउट थर्मोडायनामिक्स। मैं मेरा वीडियो बंद कर रहा हूँ बिकॉज ज्यादा स्पेस ले रहा है फिलहाल स्क्रीन पे, तो मैंने मेरा वीडियो ऑफ किया। थर्मोडायनामिक्स में भी आपको सेम चीज करना है। नाउ ये मैं आपके लिए काम करके दे रहा हूँ, बट अगर आप किसी और फील्ड से बिलोंग करते हो या फिर आपको कोई और सब्जेक्ट है तो ये एनालिसिस खुद आपके लिए कर लेना, ठीक है? नाउ चैप्टर 1 जो है ना वो पूरा का पूरा थ्योरी है, जो भी मेरे बैचेस में है, राइट, दे हैव ऑलरेडी डन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चैप्टर 1 में कोई कंप्लीट नहीं है, चैप्टर 1 पूरा का पूरा थ्योरी है। पूरा का पूरा थ्योरी मतलब ये क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क के लिए इसमें से क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क के लिए इस ये वाले चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है, ये इतना समझ के लोगों। ये मैंने पेपर का एनालिसिस कर दिया है, सांगतो ना मैं, सांगतो संदीप, डोंट वरी, डोंट गेट, आई नो ही संदीप इज ट्राइंग टू टेल कि उनके कॉलेज में दोनों चैप्टर्स, दोनों सेमेस्टर साइमल्टेनियसली चालू है, तो प्रिपेयर कैसे करें, 10 से 5 या 6 बजे तक लेक्चर ही चालू रहता है, डोंट वरी, आई विल जस्ट टेल यू, डोंट वरी, गिव
मी सम टाइम, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस पार्ट, फिर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे. थर्मोडायनेमिक्स में मतलब इसमें से दो क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट. मतलब ये थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी पढ़ लिया तो मैं आराम से इतना 10 मार्क का इसमें लिख के 10 मार्क का अटेम्प्ट कर पाऊंगा, वैसा वाला पार्ट है. फिर बाद में ये जो सेकंड चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें से परपेचुअल मोशन मशीन ये थ्योरी है, कार्नोट साइकिल आपका ऑलरेडी हो चुका है, आरएसी नाम का एक सब्जेक्ट था आपको, कार्नोट थ्योरम भी आपको हो चुका है, तो आई एम श्योर ये आपका फटाफट रिवाइज हो जाएगा. और न्यूमेरिकल जो है वो इसके ऊपर मेजरली आते हैं, ये वाले कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं. फिर बाद में एंट्रोपी के ऊपर आते हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल, टीडीएस रिलेशन, इसका डेरिवेशन है, टीडीएस का डेरिवेशन जो है ना काफी पूछा जाता है. इफ आर प्रिपेयरिंग इसका डेरिवेशन, टीडीएस का जो डेरिवेशन है काफी पूछा जाता है. एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग प्रोसेस, इसके ऊपर भी ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं. तो इस चैप्टर से अगर मैं बात करूँ तो आपको कम से कम दो क्वेश्चन आएंगे विद ऑप्शन, ठीक है. तो देर आर टू क्वेश्चन, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू क्वेश्चन ईच ऑफ 10 मार्क्स. और ये मैं थ्योरी के बारे में ही बात कर रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहा हूँ. और न्यूमेरिकल्स में मैं डेरिवेशन को भी न्यूमेरिकल्स ही काउंट करता हूँ, समझ में आ रहा है. तो या तो एक डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल, या तो दोनों न्यूमेरिकल, ऐसा कुछ आएगा. तो इस सब्जेक्ट में से मेरे को 20 मार्क्स मतलब 10+10 इतना क्वेश्चन का प्रिपरेशन हो जाएगा. अवेबिलिटी चैप्टर्स के बारे में बात करूँ तो इसमें से मोस्टली ना रिलेशन आता है, जो ऑलरेडी अपने बैच में थे आई एम श्योर उन लोग को याद रहेगा कि ये वाला पार्ट जब किया, नहीं याद रहेगा क्योंकि हम लोग ने बहुत घाई घाई में किया था, डिग्री वाले बंदे भी थे. तो एक ये वाला रिलेशन, ये मैक्सवेल क्लॉसियस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये सारे रिलेशन है ना, ये थ्योरी वाला पार्ट है. तो ये वाले चैप्टर्स में से ना अवेलेबिलिटी से ये इसमें से आया तो एक थ्योरी आएगा, वन थ्योरी प्लस वन न्यूमेरिकल का चांस है, राइट. अगर मैं थ्योरी के बारे में बात करूँ तो आपको इसमें से 6 से 8 मार्क के लिए थ्योरी आएगा, प्लस एक 6 से 10 मार्क का न्यूमेरिकल आ सकता है बस. मतलब मोटा मोटा बात मैं ये बता रहा हूँ कि दिस विल फेच यू एटलीस्ट 15 मार्क्स का पार्ट. इसमें से एटलीस्ट आप अगर ये थर्ड चैप्टर करें तो 15 मार्क्स का अटेम्प्ट चला जाएगा. मैंने टिक मार्क भी किया है कि क्या क्या आ सकता है करके, समझ में आ रहा है ना. इसमें जो न्यूमेरिकल का पार्ट है, आई विल टेल यू न्यूमेरिकल किसमें से आता है, अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में. अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आता है, तो उसके बारे में प्लीज प्रिपेयर कर लेना, राइट. फिर बाद में चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, इन सब चैप्टर्स में ना एक एक न्यूमेरिकल आता है, बस एक न्यूमेरिकल यहाँ पे, एक न्यूमेरिकल यहाँ पे, एक न्यूमेरिकल. थ्योरी भी पूछते हैं बट थ्योरी उनका कोई ऐसा फ्रीक्वेंस नहीं है, इसमें से भी कुछ भी थ्योरी पूछते हैं बट न्यूमेरिकल्स तो हर में से एक एक आना ही आना है, समझ में आ रहा है. अभी देखो यहाँ पे लिखा है उन्होंने ओनली थ्योरी, तो ये जो साइकिल्स है ना इनके बारे में सिर्फ थ्योरी है, राइट. आया तो एक न्यूमेरिकल आ सकता है बट इनके बारे में यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूमेरिकल आता है, बट बुक में आपको सिर्फ इस वाले टॉपिक के पार्ट सिर्फ थ्योरी पढ़ना. तो ऐसा अगर मेंशन किया तो उसका सिर्फ थ्योरी पढ़ो, अननेसेसरी न्यूमेरिकल्स मत प्रिपेयर करो. तो वापस आते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में कि अगर मेरे को ये प्रिपेयर करना है तो ऑब्वियसली बात है लुकिंग एट द डेप्थ ऑफ द सिलेबस, यार क्या क्या पढ़ना है. मैं चैप्टर नंबर 1 ऑब्वियसली प्रिपेयर करूंगा, फिर बाद में चैप्टर नंबर 2, फिर चैप्टर नंबर 3, और फिर बाद में डिपेंडिंग इन तीनों में से मेरे को कौन सा ईजी लग रहा है. लेट सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को गैस पावर ईजी लग रहा है तो मैं सिर्फ गैस पावर करूँगा, ठीक है. व्हाट आई विल डू इज आई विल गो फॉर गैस पावर साइकिल. और ये जो रिमेनिंग बचे हुए 2 चैप्टर्स है ना वो मैं पहले प्रिपेयर नहीं करूंगा. गाइस याद रखना मैं बोल रहा हूँ मैं पहले प्रिपेयर नहीं करूंगा. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे को इनको प्रिपेयर ही नहीं करना है, मैंने बहुत अभी बोल रहा हूँ वापस कि मैं इनको पहले प्रिपेयर नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि सर यार अभी तो कुछ नहीं आता है, दोनों सेमेस्टर साथ में चल रहे हैं, सब थोड़ी प्रिपेयर होगा यार, इतना सब साथ में हजम नहीं होगा, हमको प्रायोरिटी वाइज काम करते जाना है, समझ में आ रहा है. दैट्स द रीजन हम लोग सब प्रिपेयर नहीं करेंगे. बट जैसे मैंने आपको सेमिस्टर सॉम के लिए बोला था, सेम चीज यहाँ पे वैलिड है. आई डोंट वांट टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग, मेरे को सिर्फ क्वेश्चन पे, इसका जो थियोरी है ना ये चैप्टर का पूरा थियोरी उड़ा सकता है, ठीक है, एक दिन में आराम से. एक दिन में अगर मैं कल चालू कर रहा हूँ तो कल के कल इसका थियोरी उड़ा सकता है. क्यों? बिकॉज बहुत सिंपल है थियोरी, और ये आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत हो चुका है, समझ में आ रहा है. माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ तो नहीं हुआ रहेगा, बट आप पढ़ लोगे ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ना है. मतलब ये चैप्टर्स में से ना आपको मोस्टली डेफिनेशन या फिर यू नो एप्लीकेशन क्या क्या है, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आएंगे. तो ये वाला चैप्टर एक दिन में खत्म हो सकता है. तो अगर आप कल से प्रिपरेशन चालू कर रहे हो थर्मोडायनेमिक्स का, तो सबसे पहले ये वाला चैप्टर करो. इससे होगा क्या भाई, मेरा 2 क्वेश्चन 10 मार्क का प्रिपेयर हो जाए, मतलब 5-5 मार्क का प्रिपेयर होगा, और ज्यादा टाइम भी लगेगा. मतलब ये तो मुझे लगता है अगर आप कोई जेन्युइनली बंदा बैठ रहा है ना, उसको आधे दिन में भी खत्म कर सकता है. तो ये ऐसा वाला पार्ट एक प्लीज करके रखो, राइट. फिर बाद में जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड लॉ, इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, कंसेप्चुअली भी थोड़ा हैवी है. तो इसके फर्स्ट डे के बाद, मतलब अगर मैं कल ये कर रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट, तो सेकंड एंड थर्ड डे पे मैं क्या करूंगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करूंगा.
इसमें भी जैसे मैंने बोला कि कार्नोट साइकिल के ऊपर मेरे को न्यूमेरिकल्स आता है, तो पहले इसका थ्योरी पढ़ लूंगा, फिर बाद में इसके दो तीन न्यूमेरिकल्स देख के सॉल्व करूंगा। बस मैं समझ लूंगा कि हाँ चाचा ठीक है ऐसा करते हैं, मैं समझ लूंगा पहले न्यूमेरिकल्स, फिर बाद में उसको देख के सॉल्व करूंगा, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ठीक है मेरे को आता है करके, मैं ऐसा कुछ कर लूंगा, एटलीस्ट सिमिलर सम्स तो कर लूंगा, अननोन सम बाकी बाद में बात करते, उतना तो आएगा। फिर बाद में वापस थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ डे पे आपको ये वाला करना है अवेलेबिलिटी, राइट। एंड इसके बाद ये इतने, इसके बाद जो भी आपने इन तीनों में से कोई भी चैप्टर जो सिलेक्ट किया वो प्रिपेयर करो सिक्स डे पे। इन तीनों चैप्टर्स को मुझे नहीं लगता एक दिन से ज्यादा जाना चाहिए, अगर मैक्स टू मैक्स टाइम गया तो दो दिन ज्यादा से ज्यादा लगेगा, बट ये भी मैं हायर एंड पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मोस्टली अगर मैंने लेट सपोज मेरे को चैप्टर नंबर फाइव करना है, ये चैप्टर नंबर फाइव करना है, तो चैप्टर नंबर फाइव कंप्लीट करने के लिए मेरे को एक दिन सफिशियंट है। तो छठे दिन पे, फिफ्थ के बाद सिक्स दिन पे मैं क्या करूंगा, मैं मेरा चैप्टर नंबर फाइव जो है गैस पावर साइकिल का वो वाला पार्ट कंप्लीट कर लूंगा। समझ में आ रहा है ना गाइस? इससे क्या होगा, देखो हम लोग ने क्या डिसाइड किया था, हमको तीन मेन चैप्टर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना था सेमिस्टर थ्री के। एम थ्री था, थर्मोडायनेमिक्स था, और कौन सा था अपना, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स। अभी ऐसा सोचो कि यार पूरे सिलेबस का, पूरे सेमिस्टर का दो सब्जेक्ट्स का मेन प्रिपरेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका दो हफ्ते में हो गया। आपके पास कितने हफ्ते थे, आपके पास टोटल छह से आठ हफ्ते हैं, ठीक है, छह हफ्ते पकड़ के चलो, बट उसमें से दो हफ्ते में आपका दो सब्जेक्ट का प्रिपरेशन अगर हो रहा है, दो हफ्ते भी छोड़ दो यार, अगर आपको ढाई हफ्ते भी लग रहे हैं, ढाई से तीन हफ्ते भी लग रहे हैं और आप दो सब्जेक्ट ठीक ठाक हो रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है। समझ में आ रहा है? और ये अगर दिन का आप तीन से चार घंटा निकाल रहे हो ना थोड़ा एक्सट्रेच करके तो भी हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। समझ में, शुरुआत में शायद थोड़ा बैठना डिफिकल्ट हो जाए, बट धीरे धीरे हो जाएगा, राइट। नाउ गाइस ये वाला सिंपल सा अप्रोच है। नाउ जाहिर सी बात है यार सर, मैंने कुछ ये बने, मैंने मैथ्स का नहीं बताया बिकॉज मैथ्स का आप लोगों ने क्लासेस लगाया रहेगा। कितने जनों ने मैथ्स का प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू किया, हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी स्टार्टेड मैथ्स का प्रिपरेशन, है कोई? या फिर कितने जनों ने नहीं किया, दोज हू हैव नॉट स्टार्टेड मैथ्स का प्रिपरेशन, ठीक है, आकांक्षा ने नहीं किया, हु एल्स, अरपाल नॉट स्टार्टेड, मोहित ठीक है नॉट स्टार्टेड, किया है, गुड ठीक है, सेल्फ स्टडी चालू है, ठीक है संदीप, सेल्फ स्टडी चालू है, ओके। नाउ गाइस इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड तो भाई कल आपका जो फेवरेट मंदिर होता है वहां पे जाके आपको प्रे करना है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, बट मजाक साइड में रखते हैं, बट यार मैथ्स एंट्री एक्चुअली डिफिकल्ट जाता है डिप्लोमा वालों को, ये मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है मेरे टीचिंग के जर्नी में कि डिप्लोमा स्टूडेंट को थोड़ा मैथ्स डिफिकल्ट जाता है। तो अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो गाइस कल से प्रिपेयर कर लो, टाइम बहुत कम है। मैं तो डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा किसी सीनियर का हेल्प ले लो या किसी बंदे के पास कोचिंग लगा लो जो आपको सिखा सकता है, बिकॉज टाइम कम है, बाकी और कुछ नहीं। नो डाउट अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एंट्री का अगर केटी लग गया ना तो वो श्राप जैसा होता है यार, मतलब एक के बाद दूसरा लगते ही जाता है, मैंने देखा, क्योंकि टाइम जाता है ना प्रिपेयर करने में। इसलिए देखो कि यार ये एंट्री निकाल दो, ठीक है। तो एंट्री के बारे में बात किया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बारे में बात किया, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात किया। अभी जो बचा हुआ दो सब्जेक्ट है उनके बारे में क्या, तो लेट मी टॉक अबाउट दो सब्जेक्ट। जो बता हुआ दो सब्जेक्ट था ये था, दैट इज प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मटेरियल एंड मेटलॉजी। नाउ शायद डिपेंडिंग अपॉन योर यूनिवर्सिटी आपको कुछ और सब्जेक्ट हो सकते हैं, बट होंगे थियोरेटिकल सब्जेक्ट, राइट। नाउ ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करें? नाउ थियोरेटिकल सब्जेक्ट एज यूजुअल अगर आपको लास्ट मोमेंट पे बोला ना प्रिपेयर करने के लिए, आप कर लोगे, मुझे पता है, इसमें कोई डाउट। तो अभी क्या करें, अभी जैसा भी आपको टाइम मिलता है, जैसा आपको फ्री टाइम मिलता है, तो यूट्यूब या फिर कुछ और करने से अच्छा ना गूगल करो और देखो कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स कौन से हैं, मतलब इसमें जो भी पास क्वेश्चन पेपर है उसमें देखो रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, राइट। उसे उतना निकाल के रखो, मैं पढ़ने के लिए भी नहीं बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा है, एटलीस्ट निकाल के तो रखो। और ऐसा जरूरी है कि खुद काम आपको खुद करना है, अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो तो ऐसा डिसाइड कर लो कि यार आप ये सब्जेक्ट का प्रिपेयर करो, मैं ये वाले दूसरे सब्जेक्ट का प्रिपेयर कर लूंगा। तो दोस्तों का हेल्प लो, ग्रुप बनाओ और करो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो डोंट वरी, मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, मतलब ये जो सारा पार्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं ग्रुप में अपलोड करते जाऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर, तो उसका भी टेंशन नहीं, बट आप अपने एंड से प्रिपेयर करना चालू कर दो, मेरे लिए रुको मत, आपको पेपर का थोड़ा सेंस भी आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर चैप्टर वाइज विल बी अपलोडेड ऑन द ग्रुप। तो अगर आपका कोई फ्रेंड रहेगा जिसको जरूरत रहता रहेगा और वो अपने ग्रुप में नहीं, तो उनको बता देना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। ये जो वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का लिंक भी डाला रहेगा, तो आप लोग उनको प्लीज बता देना कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के बारे में बात किया और हम लोग ने थियोरेटिकल सब्जेक्ट के बारे में बात किया, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ मेनी ऑफ यू फील नाउ राइट नाउ कंफर्टेबल कि हाँ सर ठीक है अभी तक तो सेंस कर रहा है जितना भी हम लोग ने देखा, हाउ मेनी ऑफ यू कीप पीपल थिंक कि ये वाला दिस इज मेकिंग सेंस,
हाउ मच पीपल थिंक. लेट मी जस्ट सी कि कितने जन को लग रहा है कि हाँ भाई ये कुछ तो सेंस बन रहा है. ठीक है ठीक है, चलो बेटर, गुड टू सी दैट मोस्ट ऑफ पीपल आर थिंकिंग अच्छा भाई ठीक चल रहा है, हमको एटलीस्ट कुछ सेंस आ रहा है, दैट इज गुड. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि यहाँ पे दो तरीके हैं, मैंने आपको एक सेल्फ तरीका बता दिया प्रिपरेशन करने का. नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क अ वेरी टेक अ सिंपल पोल, आई जस्ट वांट टू सी कि यार इसका आंसर क्या आ रहा है. जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर पोल, लेट मी सी कि व्हाट डू यू पीपल आर रिएक्ट. एक सिंपल सा पोल है, डिपेंडिंग अपॉन जो भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दिया है, आपको मैंने तरीका बता दिया, टाइम बता दिया, आई जस्ट वांट टू सी कि यार कितने लोग हैं जो, आई जस्ट वांट टू सी जनरल. ऐसा कोई ये नहीं है, खुद प्रिपेयर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, आपने ऑलरेडी कोचिंग लगाया तो भी बहुत बढ़िया बात है, आपको अगर हेल्प चाहिए तो भी कोई बढ़िया बात नहीं. आई जस्ट वांट टू सी कि यहाँ पे कोई है क्या बंदा जिनको हेल्प का जरूरत लगेगा, सो दैट आई कैन गेट सेंस. ऑलमोस्ट 80% ऑफ यू हैव वोटेड, 86% हैव वोटेड. ठीक है, ओके, व्हाट आई विल डू इज आई विल एंड द पोल. ऑलमोस्ट दो जन है बचे हैं, वो पोल में जब ही क्लिक करेंगे ठीक है, बट मैं एंड कर देता हूँ एंड आई जस्ट शेयर द रिजल्ट. ठीक है, तो एज वी कैन सी दैट 69% ऑफ यू टू थिंक दैट कि ये स्ट्रैटेजी के बाद भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प लगेगा. नाउ मेरा जेन्युइनली एक सिंपल सा मानना है कि यार आपको हेल्प लगेगा. जस्ट आई जस्ट स्टॉप दिस फॉर फ्यू मिनट्स. जस्ट सो मुझे पता है कि यार इतना स्ट्रैटेजी बिटीजी सब ठीक है सर, बट फिर भी हमको पढ़ाई में थोड़ा बहुत हेल्प लगता है. So if you require help, right, there is one simple way, one simple method that I have developed. उस हिसाब से मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ. And मेरे स्टूडेंट जो ऑलरेडी है उनको पता है इसके बारे में. ठीक है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर पार्ट. अच्छा, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, एनी वन हैज एनी क्वेश्चन? मोहित से लेके हरपाल सिंह, हरपाल रावल, जय, दीपेन, दानिश, भूषण, एनी वन, अक्षय, इफ एनी वन इज हैविंग एनी क्वेश्चन एट दिस पॉइंट प्लीज आस्क. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग सिलेबस या फिर कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, प्लीज प्लीज शूट द क्वेश्चन. माइक अनम्यूट करके सीधा बोल दो. वैभव, काही क्वेश्चन आहे का, विचारायचं का काय? सर आपण जो थर्मोडायनामिक्स मध्ये जो पार्ट केला आहे तो अवेलेबिलिटी मध्ये, मग तो त्याच्यामध्ये खाली लिहिलेलं ना की नो न्यूमेरिकल्स, मग तो जेवढा आपण केलाय ते मॅक्सवेल जरी ते दोन ते थिअरम मोठे मोठे ते तेवढंच ना की अजून आहे त्याच्यात काय वेगळा पार्ट? नाही नाही, तेवढाच आहे, तेवढाच पार्ट आहे, तेवढाच पार्ट आहे. आणि डोंट वरी, आपण रिपीट करणार आहे ते सगळं. ठीक आहे, एनी वन एल्स हॅविंग एनी डाऊट या क्वेश्चन? चलो आय होप यू पीपल आर नॉट हॅविंग एनी डाऊट, दॅट इज गुड टू सी. ओके गाईस, नाव लेट मी प्रोसीड एंड टेल यू की हाउ आय कॅन हेल्प यू इन दिस पर्टिक्युलर सेमिस्टर, ताकि यार आपका ये वाला जो सेमिस्टर है ना काफी स्मूथ चला जाए, एटलीस्ट ये जो सब्जेक्ट है वो काफी स्मूथ चला जाए. तो आई एम टीचिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम पास्ट 7 ईयर्स, मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है. मैंने बहुत सारे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, राइट फ्रॉम द बिग इंस्टीट्यूट टू द स्मॉल इंस्टीट्यूट, एंड मेरा खुद का भी बैच चलते रहता है. बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स अभी भी है, दे हैव ऑलरेडी विटनेस्ड माई टीचिंग, राइट. सो ये वाला जो बैच मैं रन करने वाला या फिर जो तरीका है वो मैं ऑनलाइन ही कंडक्ट करने वाला हूँ, बिकॉज ऑल दो आपके कॉलेज चालू हो जाएंगे बट आई डाउट कि आप लोग को, हम लोग को ऑफलाइन का चांस मिलेगा. ऑफलाइन का चांस मिला तो वेल एंड गुड. आप बोलना सर, तुम्हें ऑफलाइन क्लास चालू था? हाँ मैं ऑफलाइन ला चालू, बट अपन बघूया सिच्युएशन कशी असेल, क्या प्रॉब्लम असेल. कुठे लोकेशन? काय बोलतोय? लोकेशन, लोकेशन मी तुला सांगतो, ठाणे, कल्याण आणि दादर. ओके, इन साइडला असेल तर आपण अरेंज करू शकतो. कुठे? तीन ठिकाणे. कुठे? ठाणे, दादर आणि कल्याण. ओके ठीक आहे, मी सांगतो, डोंट वरी, इन्फॉर्म यू एवरीवन. बट लेट मी जस्ट टेल की यार मैंने क्या सोचा है कि अगर मेरे को सेमिस्टर 3 का प्रिपेयर करना है तो हाउ कैन आई हेल्प यू. ठीक है, सो देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज फ्लिप क्लासरूम. नाउ जो मेरे बैचेस में उनको ऑलरेडी पता है फ्लिप क्लासरूम क्या होता है, एंड वी हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन फ्यू मॉड्यूल्स बाय यूजिंग फ्लिप क्लासरूम. ठीक है, तो फ्लिप क्लासरूम बेसिकली एक फॉरेन मेथड है, यूएसए में पहले बार डेवलप किया गया था. एंड थ्रू दिस व्हाट वी कैन डू इज कि जितना सिलेबस वाला पार्ट है ना वो हम लोग कम टाइम में जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, कम टाइम में बहुत फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं. कैसे और ये क्या होता है? तो फ्लिप क्लासरूम में ना हम लोग बेसिकली दो तरीके इस्तेमाल करेंगे पढ़ाई करने के लिए. सबसे पहले हम लोग लाइव लेक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे ऑन जूम, राइट. नाउ दिस लाइव लेक्चर्स माइट गो टिल 2 to 3 hours, 2 to 3 घंटे के अराउंड का सेशन हो जाएगा पर सेशन, डिपेंडिंग अपॉन जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं. और इसके अलावा जो भी सेशन होने वाला है उसका कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिल जाएगा ऑन दी विम्यो. विम्यो एक सिंपल सा
व्हिडिओ शेअरिंग का ऍप आहे ज्या पे स्पेसिफिकली प्रायव्हेट व्हिडिओज हम लोग अच्छे तरीके से वेल सिक्योरिटी के तरीके से शेयर कर सकते हैं और इसके ऊपर 30 से 40 घंटे से ऊपर का कंटेंट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका है और मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको ऑलरेडी पता है। नाउ ये इस्तेमाल कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग लाइव लेक्चर्स लेंगे। नाउ दिस लाइव लेक्चर्स एज ऑफ नाउ विल बी ऑनलाइन, ये जो लाइव लेक्चर्स है फिलहाल ऑनलाइन ही कंडक्ट करने वाले बिकॉज अपने को वैसा गाइडलाइंस आया नहीं है कि हम लोग ऑफलाइन चालू कर सकते हैं, बट अगर ये ऑफलाइन भी हो रहा है तो ऑफलाइन भी हम लोग ये कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब ये जूम के बदले अपन क्लासरूम लेक्चर्स रख सकते हैं, राइट। इंस्टेड ऑफ कीपिंग जूम वी कैन डायरेक्टली गो फॉर द क्लासरूम लेक्चर्स और सेम पैटर्न हम लोग सेम फ्लिप क्लासरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बेसिकली बात क्या है कि इसमें हम लोग दोनों मिल के साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मतलब मैं भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आप मेरे सामने न्यूमेरिकल सॉल्व करो, दैट इज द एडवांटेज। लाइव मुझे डाउट पूछ पा रहे हो तभी का तभी क्लैरिटी आ रहा है, दोज आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, लाइव सेशन, राइट। और फिर बाद में आपको रिकॉर्डेड वीडियोज भी उसके मिल जाएंगे और कुछ वीडियोज ऑलरेडी है वो आपको पहले से देख के आना है। तो ये फ्लिप क्लासरूम कैसे चलता है मैं आपको थोड़े एक आपको जस्ट टू गिव अ सेंस आई जस्ट शेयर यू कि एक आइडिया देता था कैसे चलेगा करके, ठीक है। सो लेट मी शेयर यू फर्स्ट अ वेबसाइट। नाउ बेसिकली दिस इज माय यूट्यूब चैनल, जो जिनको पता रहेगा आई एम श्योर मेजोरिटी लोगों को पता रहेगा, नहीं आइडिया है तो यार चैनल पे जाओ, वीडियोज में प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी काफी प्लेलिस्ट बना के रखा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का भी इसमें प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो कि न्यूमेरिकल्स है एंड दीज आर सम ऑफ द वीडियोस दैट आई हैव ऑलरेडी लाइक्ड। बट एनीवे टॉकिंग अबाउट अदर थिंग कि यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर्स है तो इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो ऑन दोज लेक्चर्स। कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लिप क्लासरूम, तो फ्लिप क्लासरूम कैसे होगा बेसिकली, तो यहाँ पे मेरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के कुछ पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो मैंने लाइव लिए थे, राइट। तो हम लोग को सिलेबस में क्या है, एक्सियल, ट्राएक्सियल एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, बट वो सब पढ़ने के लिए वो समझने के लिए मेरे को पहले का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज डे वन हम लोग का सेशन है, राइट। डे वन को सेशन से पहले मैं बोलूंगा कि आपको ये दो वीडियोस देख के आओ, लेट्स सपोज चैप्टर नंबर वन का लेक्चर वन एंड लेक्चर टू। तो इससे होगा क्या, इवन बिफोर यू कम टू द लेक्चर, आप लेक्चर में आने से पहले ही आपके पास कुछ प्रिपरेशन कंटेंट है जो आप प्रिपेयर करके आ रहे हो, तो आपको पता है कि यार लेक्चर में क्या होने वाला है। इससे होगा क्या पता है क्या, आपका भी प्रिपरेशन हो जाएगा लेक्चर के लिए, याद जो सिखाने वाले वो आपको नया नहीं लगेगा और अपना ओवरऑल टाइम भी कम हो जाएगा। मतलब लेक्चर्स में हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल से चालू कर सकते हैं बाय टेकिंग सम फ्यू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द प्रीवियस लेक्चर जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है। इससे क्या होगा पता है, अपना सेम पोर्शन कम टाइम में कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ये होता है फ्लिप क्लासरूम कि उतना ही पोर्शन आपका कम टाइम में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि ये इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट टॉपिक्स है जो आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा, सिंपल सा टॉपिक है, सिर्फ कैसा है कि लाइव लेक्चर्स में भी अगर वो लेंगे तो अपना टाइम ज्यादा जाता है। और सिंस मुझे पता है आप लोग स्मार्ट हो, इतना डम तो नहीं हो, डिप्लोमा करके यहाँ पे आओ तो आपको आइडिया होता ही है, तो सिर्फ ये थोड़ा रिवीजन में हेल्प हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, लाइव लेक्चर्स में अपना काफ़ी टाइम बच जाएगा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर पाएंगे और वो जो लाइव लेक्चर होगा उसका भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा। तो क्या होगा, इफ़ इन केस आपको सर्टन टाइम के बाद अगर आपको प्रिपेयर करना है, आपको रिवाइज करना है, तो वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर लोगे और वो वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ आपके साथ शेयर किया जाएगा जो भी ये इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है उनके साथ, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, कि ये वाला वीमियो का पार्ट हो गया कि ये वाला हम लोग इस तरीके से प्रिपेयर करने वाला है। नाउ ये चालू कब से होने वाला है, नाउ दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द कमिंग थर्सडे और ये सेम अगर सेम थ्री प्रिपेयर करूँ तो डे वन में मैं आपको बोलूंगा लेट्स सपोज दो वीडियोज पहले देख के आओ, फिर उसके बाद हम लोग ट्रायल इसका लेक्चर लेंगे। तो सेम चीज़ है, बट क्या होगा पता है, मैं आपके पास से ये वाला पार्ट कंप्लीट करवा के ले लूंगा और अपना भी सिलेबस जो है वो एक हफ्ते, सिलेबस मतलब पूरा का पूरा पार्ट है ना, एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का पार्ट कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर ऑन योर ओन जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया, और एल्स इफ यू नीड सम हेल्प, इफ यू नीड सम गाइडेंस कि नहीं यार मुझे अगर सर बताएंगे थोड़ा फटाफट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा, तो डेफिनेटली यू ऑल आर वेलकम टू टेक द हेल्प, राइट। नाउ अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, यार ये कैसे आने वाला है, ये बैच जो चालू होने वाला है इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट, थर्सडे से चालू होने वाला है ये बैच 11th of February 2021, मतलब यही हफ्ते में, कमिंग वीक में से मैं ये बैच चालू करने वाला हूँ। द रीजन फॉर स्टार्टिंग द बैच सो अर्ली इज वेरी सिंपल, बिकॉज टाइम बहुत कम है बॉस, अपने पास बहुत ही ज्यादा कम टाइम है और उसमें बहुत ही ज्यादा काम करना है फटाफट। एंड ये वाला पार्ट में सबसे पहले मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने वाला हूँ कमिंग वीक में, दैट इज ओनली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा ज्यादा अपने को फेमिलियर भी है और फटाफट कंप्लीट भी हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के लिए बैच चालू करने वाला और इसका जो फीस है, राइट, द फीस इज ओनली 1000 रुपीज। मैंने इतना कम इसलिए रखा है फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि मुझे पता है पेंडेमिक चल रहा है और लोगों के पास फाइनेंशियल इशूज है, बट आई डोंट वॉन्ट यू पीपल टू जज बिकॉज
फिनान्शियल इश्यू है कि आप पीछे मत रहो, आपका ये यू नो अटेंड करने का अगर इच्छा रहेगा तो आप यार वो रह नहीं जाना चाहिए. दैट इज द रीजन आई एम कीपिंग फीस सो लो. 1000 rupees ये आई एम श्योर ईच एंड एवरीवन कैन अफोर्ड. एंड बाय द वे दिस इज पर सब्जेक्ट, तो ऐसा मत समझना कि पूरा का पूरा पार्ट है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिख के रखा है. राइट, सो थर्सडे से बैच चालू होने वाला है. वी विल बी यूजिंग फ्लिप क्लासरूम मेथड इन ऑर्डर टू लर्न ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. और अपना एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है वो सब्जेक्ट पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. राइट, सो इफ यू आर देयर राइट, तो डू कंसिडर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन. थर्सडे को इसका पहला वाला सेशन रखने वाला हूँ मैं. बट बिफोर दैट एनी वन हु वॉन्ट्स टू अटेंड नीड्स टू यू नो कॉन्टैक्ट मी. मुझे पहले कॉन्टैक्ट करो, आपके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर रहेगा, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा कि कैसे होने वाला है, ग्रुप में भी अनाउंस कर दूंगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ एनी वन नाउ एनी वन हैज एनी डाउट्स और एनी वन वॉन्ट्स एनीथिंग एल्स, प्लीज आस्क मी. मोहित हो गया, दनीश हो गया, एनी वन. हाँ बोल ना शुभम. आम्हाला नाही ना यायचं. बस काय, तुम्हाला कसं नसणार, तुम्हाला तर असणार ना हुआ, मी आपले स्टुडंट आहे. Each and every student of mine who has already, you know, in thermodynamics ka batch, bhai, tum log ke liye free hai. You don't have to pay. Yeah, bhai, itna mere ko samajh mein aata hai na yaar. Max salu karna rahega. Max salu karu shakto main, Sandeep. I don't have any problem with starting with the max. I have excellent faculties. I can tell them to arrange max ka lectures. So max pan salu karu shakto. Sandeep, tu kutla Mumbai madhun hai ki kutun hai? मुंबई. वी कैन स्टार्ट. ठीक है, मैथ्स का बैच भी चालू करेंगे हम लोग. एंड वंस दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कंप्लीटेड, ये वाला होने के बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम आल्सो गोइंग टू स्टार्ट सेम 4 का बैचेस. तो यार सेम 4 के बैचेस के लिए आपके फ्रेंड्स को इनवाइट करना. ऑब्वियसली सेम 4 का ये वाले सेम 4 के लिए ये वाला फीस नहीं है, वी विल टॉक अबाउट दैट. बट इसके मैं अभी चालू नहीं कर रहा हूँ, एक हफ्ते का डिले कर रहा हूँ, बिकॉज तब तक अगर अपने को क्लैरिटी आ गया कि ऑफलाइन ले सकते हैं क्या, पेपर ऑनलाइन होना कि ऑफलाइन पेपर. हरपाल भाई देख, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं ना गोल गोल नहीं घुमाऊंगा. जितना मेरे को दिखाई दे रहा है मेरे को लग रहा है ऑफलाइन होगा. मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन हो जाए और सब आप वैसे ही पास हो जाए जैसे पहले हो गए. बट भाई मैं तेरे को झूठी उम्मीद नहीं दूंगा कि हाँ ऑनलाइन हो सकता है करके. मैंने बात किया है टीचर से, HOD से, सब लोगों ने यही बोला कि सर ऑफलाइन ही होगा एग्जाम और प्रॉपर सीट मेंटेन करके होने वाला है. बाकी अगर ऑनलाइन हुआ है तो बहुत अच्छी बात है यार सबके लिए, कौन नहीं चाहता ऑनलाइन. Right. Anyone else having any doubt or any questions? ठीक है, I don't think so anyone is having any questions or doubt. ये वाला वीडियो जो मैं YouTube पे अपलोड भी कर दूंगा, guys. Sem 4 अपन next week, next to next week पसंद क्यों? मतलब मंडे पसंद चालू करो अपन. ठीक है, आणि सेम 4 चे पण मी सब्जेक्ट, कारण का मी सेम 4 आता का नाही चालू करत आहे, कारण का मधल्या पीरियड मध्ये आपल्याला क्लॅरिटी आली की ऑफलाईन पण आपण घेऊ शकतो, मग आपण डिरेक्टली ऑफलाईनच घेऊया. मग कळतंय, ऑनलाईनचा उगाच गडबड नको. अँड डू कन्सिडर इन्व्हायटिंग युअर फ्रेंड्स टू. सर मला बोल ना दीपक. सर मला सेम 4 ला टॉम आहे, टॉम सेमच आहे ना? हा, त्याला कायनेमॅटिक्स ऑफ मशिनरी बोलतात, त्याला अगोदर टॉमच बोलायचे, थिअरी ऑफ मशीन बोलायचे. ओके, आणि सर आणि या सेम मध्ये मला थर्मोडायनामिक्स आणि फ्लुइड कंबाइन आहे, म्हणजे थर्मोडायनामिक्सचे 3 चॅप्टर आहे आणि फ्लुइडचे 3 चॅप्टर आहे. FMचे फ्लुइड मेकॅनिक्सचे, हा ते मी पाठवतो तुम्हाला, तुम्ही म्हणजे टॉपिक्स पाठव नंतर चालेल. इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर युनिव्हर्सिटी ऑर कॉलेज मे कुछ अलग है तो मेरे को सिलेबस भेजो, आई टेल यू कि वेदर इट इज यू नो मी डाउट है. बोल ना आकांक्षा. सेम 4 कैसे करेंगे साथ में? आकांक्षा अपन इंजीनियर्स है भाई, अपन सब कर सकते हैं, टेंशन मत ले. सर SPPU तो अपन सिलेबस कमी होना रे काओ. सिलेबस कमी तो है, अरे कमी ना होना, काय माहिती आहे का, पेपर सिंपल येतील. मला असे टीचर्स बोलतात की पेपर कंपेरेटिवली सिंपल येतील, कारण का त्यांनी माहिती आहे, त्यांना माहिती आहे की त्यांनी पण काही शिकवलं नाहीये, कारण का ते इवन दे आर ट्राइंग, थोडा गॅप असतो ना ऑनलाईन मध्ये, तर त्यांना माहिती आपल्या कमी होणार आहे, त्यामुळे पेपर सिंपल येतील, सिंपल सिंपल टॉपिक्स येतील. पण अजून तरी तुमच्या युनिव्हर्सिटीतून असं काय सर्क्युलर किंवा कोणी म्हटलं आणि सांगितलं नाही मला की कमी येणार आहे करून. मुंबई युनिव्हर्सिटी वाल्यांनी पण ज्यांनी कमी केलंय ना, त्यांनी ऍक्च्युअली काय कमी नाही केलंय, त्यांनी सांगितलंय स्पेसिफिकली एक्झाम मध्ये हे येणार आहे करून, हे टॉपिक्स मधून येणार आहे. पण ते टॉपिक्स एक्झाम साठी प्रिपेअर करायला मला अगोदरचा कंटेंट वाचावाच लागणार आहे, कळतंय का? हो
हां तर ते सीता कोण आहे ते समजण्यासाठी मला रामायण बघावीच लागणार आहे असं आहे आम्हा सर त्याचं उत्तर ही देणार अशातला पण सर हां बोल ना आपले विजन लोग आहे ना थर्मो सॉम का चालू हो रहा है ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का अभी अपन ये वीक में चालू कर देंगे समझ में आ रहे हैं थर्सडे से ये चालू करने वाले हैं ठीक है गाइस डू इनवाइट योर फ्रेंड भाई किसी का छूट जाएगा मैं ये वापस रिपीट नहीं करने वाला है बार बार ठीक है तो बहुत पहले लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे बिकॉज उन लोग को एडमिशन का चिंता था एडमिशन होगा नहीं होगा अभी सबका एडमिशन हो चुका है एग्जाम्स मुंह पे आया है प्रिपेयर करना है तो भाई ज्वाइन करो भाई सिंपल है ये मैं बैच वापस रन नहीं करने वाला है ये एक हफ्ते से दस दिन के चलेगा फिर बाद में मैं ये रन नहीं करने वाला और ये प्राइस ट्रस्ट में जितना मैं देख रहा हूँ ये प्राइस में कोई ऑफर नहीं कर रहा है सो दिस इज फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम दैट आई एम ऑफरिंग दिस गाइस डू इनवाइट योर फ्रेंड आपके दोस्तों को बताओ वीडियो जब भी अपलोड हो जाएगा इंटरनेट पे शेयर करो सॉम का टाइमिंग हर बैच का टाइमिंग जो है ना वो इवनिंग में ही होगा 6:30 या 6:30 के बाद ठीक है दानिश बिकॉज मुझे पता है आपका मॉर्निंग में लेक्चर्स होने वाला है हर बंदे का 5, 5:30 या 6 बजे तक तो लेक्चर रहता ही है तो जो भी अपना सेशन होगा वो लेक्चर्स कॉलेज के टाइमिंग के बाद ही होने वाला है तो उसका टेंशन मत लो बट मैं चाहता हूँ कि आप आपके दोस्तों को पहुंचाओ यार लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचता नहीं है लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते फिर बाद में मुझे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि यार नहीं मिल रहा है करके इवन मुझे बहुत सारे बच्चे सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं बुक्स कौन सा पढ़ो पूछ रहे हैं जो यूट्यूब का चैनल है ना उसके ऊपर सेमिस्टर 3 का एक सिलेबस का वीडियो बना के रखा है उसमें पूरा डिटेल में बताया मैंने कि बुक्स कौन सा खरीदना चाहिए सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक में कितना मार्क का थ्योरी आता है न्यूमेरिकल आता है वही बना के रखा है चाहिए तो मैं वापस ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ बट यू पीपल कैन ओनली टेक इट टू योर फ्रेंड्स मैं नहीं लेके जा सकता यार मैंने डालने का काम किया बनाने का काम किया अभी आप पहुंचाने का तो काम करो समझ में आ रहा है तो डू कंसिडर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स and do invite your friends to the session which will be conducting on Thursday theek hai usse pehle aapko register karna padega batana padega warna main to mere students ke liye chalu karne hi wala hu clear hai so if you are interested do message me till monday ya monday tak mere ko please message kar dena kyunki beech mein aur main beech mein aapko bata bhi dunga ki ye process kaise hone wala hai karke theek hai so aap wo schedule bata do na matlab jaise ki abhi kaise hum log ka 8:30 to 12 chalta hai sem 4 12:30 to 5 मतलब 5 पकड़ के 5:30 तक सेम 3 चलता है तो उसके बाद स्टडी कैसे करें वो बता दो ना जरा उसके बाद ना अभी देखो इफ यू आर लेट सपोज इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट तो पूरा का पूरा टाइम आपके पास है हां दानिश थर्मोडायनेमिक्स के लिए भी होगा बट जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट विल फोकस ऑन वन सब्जेक्ट ये उड़ा देंगे क्या होगा पता है चलेगा रे सिद्धांत टेंशन मत ले वो टाइम अपन मैनेज कर लेंगे ठीक है बट मैं क्या चाहता हूँ पता है टाइमिंग का जैसे आकांक्षा भी पूछ रही है टाइमिंग का जस्ट बी रेडी टू पुट योर बेस्ट एंड हार्डवर्क अगर तुम लोग रेडी है ना तुम लोग का हार्डवर्क पुट करने के लिए भाई टाइम का कोई टेंशन नहीं है मैं 12-1 बजे तक भी तुम लोग का सेशन लेने के लिए रेडी है मतलब दैट इज इफ यू पीपल आर रेडी कि हाँ भाई सर हम लोग जोर लगाने के लिए रेडी है आप सिर्फ हमको बताओ आप सिर्फ सिखाओ तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है समझ में आ रहा है आई विल बी देयर बट मुझे तुम लोग के पास से भी वो ईगरनेस वो रेडीनेस चाहिए कि नहीं भाई आप ले रहे हो तो मैं आएगा फिर वो टाइम भी इनका सब एडजस्ट हो जाता है समझ में आ रहा है आकांक्षा कैसे प्रिपेयर करें भाई देखो लेक्चर्स होने के बाद तुम लोग घर पे ही रहते हो भाई 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले लो वॉक पे चले वॉक पे जाके आओ फ्रेश हो जाओ और फिर बाद में ना कोई एक सब्जेक्ट उठाना जैसे मैंने बोला आपको आपके पास तो वीडियो लेक्चर्स भी सारा है तो पहले डिसाइड करो कि मेरे को ये सब्जेक्ट क्लियर करना है पहले दिमाग में और उस सब्जेक्ट का एक वीडियो देखो या फिर एक टू टॉपिक्स डिसाइड करो उतना वीडियोस देख लो और वो वीडियोस भी भगा भगा के देखो भाई ठीक है जो मेन पार्ट लगता है ना उतना देख लो थ्योरी का पार्ट बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल का पार्ट है ना आपने बुक में लिखा होगा पहले वो गो थ्रू करो क्योंकि उससे जल्दी प्रिपेयर होगा और फिर उससे रिलेटेड एक या दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का ट्राई करो बस उतना कर लिया ना आपने तो वो टॉपिक खत्म फिर वो टॉपिक को हाथ भी मत लगाओ बाद में देखो क्योंकि मेरा गारंटी है कि आपको वो याद रहेगा समझ में आ रहा है तो इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए ठीक है सर थैंक यू एनीवन हैविंग एनी नॉट आईडिया एनी क्वेश्चंस सर आणि पर कधी राहतील म्हणजे कोणत्या महिन्यात राहू शकता पेपर्स बोलतोय का तू पेपर्स सर पेपर्स एप्रिल नंतर मे मध्ये तुम्हाला पेपर्स असणार आहे ओके सर ठीक आहे चलो गाइस व्हाट आई डू इज आई विल वाइंड अप दिस सेशन ये वीडियो भी अपलोड कर देता हूं मैं जिनको भी इंटरेस्ट रहेगा डू कांटेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप या फिर ग्रुप में बता देना and if you have any questions guys group always ready hai theek hai do share your questions with me there theek hai bye bye everyone